हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं हूं प्रतिका पांडे और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में इंसर्ट है। तो आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने अपना एमएस वर्ड कंप्लीट कर लिया है एक्सेल कंप्लीट कर लिया है और अब हम पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये हमारा वर्जन है टू जो कि लेटेस्ट और अपडेटेड वर्जन है तो हम ये वर्जन इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम जो भी नए नए अपडेशन उनके साथ साथ जो नए नए फीचर्स नए नए ऑप्शन आते रहते हैं है, उनके बारे में भी पता चले और थर्टीन पढ़ने के बाद जैसा आपको पता चला है कि कई सारी चीजें हमें इसमें नई देखने को मिलती हैं जो हमने 10 तक के वर्जन में नहीं पढ़ी है पावर तो पॉइंट में हमारा फाइल मेन्यू हो चुका है और इसके साथ ही साथ हमारा होम टैब भी कंप्लीट हो चुका है जिसमें हम लोगों ने अपना ये सारे जितने भी ऑप्शन है एक एक ऑप्शन को अच्छे से कवर किया है पावर पॉइंट में कैसे स्लाइड पे कैसे लिखा जाता है कैसे स्लाइड्स ली जाती है ये सारी चीजें हम लोगों ने अपनी कंप्लीट कर ली है तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंसर्ट एप अब इंसर्ट स्टार्ट करने से पहले देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं अगर आपने वर्ड कंप्लीट कर लिया है एक्सेल कंप्लीट कर लिया है तो आपको ये इंसर्ट बहुत ही आसान लग रहा होगा क्योंकि तो इसमें देखिए जितने ऑप्शन है <laughs> सॉरी वो सारे आपके वर्ड और एक्सेल ज्यादातर पढ़े हुए हैं आप देख रहे हैं इंसर्ट टैब में 90 परसेंट ऑप्शन ऐसे हैं जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं एक आधा ऑप्शन बस हो सकता है कि आपका नया हो जैसे कि एक्शन हो गया या फिर आपका ये वीडियो हो गया ऑडियो हो गया स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गया ये कुछ ऑप्शन बस तो अब हम देखते हैं इंसर्ट टैब में सबसे पहला ऑप्शन है हमारा न्यूज स्लाइड का तो देखिए ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं होम टैब में भी न्यू स्लाइड का ऑप्शन अब इंसर्ट टैब में भी दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि अगर हम एक स्लाइड पर काम कर रहे हैं और हमें कहीं पे भी एक नई स्लाइड लेनी है तो जहां पे आपको नई स्लाइड लेनी होती है आपको उसको उसके पहले वाली स्लाइड को आपको सिलेक्ट करना होता है जैसे मान लिया हमें इन दोनों के बीच में लेनी है तो हम फर्स्ट वाली स्लाइड पर आएंगे इसके बाद न्यू स्लाइड का शॉर्टकट कंट्रोल एम भी होता है आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं या आप न्यू स्लाइड पर भी क्लिक कर सकते हैं या फिर आप किसी भी स्लाइड पर राइट क्लिक कर करके भी आप न्यू स्लाइड इंसर्ट करा सकते हैं पर अगर आप यहाँ से इंसर्ट कराते हैं तो आप साथ ही साथ इसका लेआउट भी सेट कर सकते हैं कि आपको कैसे लेआउट की न्यू स्लाइड चाहिए और आप इसको क्लिक कर दीजिए तो आपके उसी जगह पे एक नई न्य स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी अगर आपने शॉर्टकट वगैरह से अगर आपने न्यूज स्लाइड इंसर्ट की है तो भी कोई बात नहीं आप उसका बाद में भी लेआउट चेंज कर सकते हैं लेआउट चेंज करने के लिए होम टैब में आपको लेआउट का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ से आप इसका लेआउट चेंज कर सकते हैं ठीक है चलिए स्लाइड को हम डिलीट करते हैं और देखते हैं हम अपना अगला ऑप्शन तो अगला ऑप्शन है टेबल का तो हम लोगों ने वर्ड एक्सेल में टेबल बनाई है चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि टेबल कैसे बनती है तो टेबल बेसिकली क्या होता है रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें हम किसी डेटा को अच्छे एक रो और कॉलम के फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं तो हम यहाँ पे लेते हैं एक नई अपनी, अपनी स्लाइड जिसमें हम आपको टेबल बनाना सिखाएंगे तो ये स्लाइड में मैं एक ही टेक्स्ट बॉक्स रखूंगी बस दो नहीं रखूंगी ताकि हमारे पास जगह ज्यादा रहे इसके बाद अब हम करेंगे टेबल पर क्लिक टेबल आप ड्रॉ भी कर सकते हैं आप देख रहे हैं और आप बनी बनाई इंसर्ट भी कर सकते हैं तो आपको ये देखना है कि आपको कितने रो चाहिए और कितने कॉलम मान लिया हमें तीन रो चाहिए और चार कॉलम चाहिए तो हम उतने पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हमारी टेबल ही इंसर्ट हो जाएगी इसके बाद आप इसमें अपना कंटेंट लिख सकते हैं सीरियल नंबर नेम और यहाँ पे हमने लिख दिया कॉन्टैक्ट नंबर जैसे ही हमने इसमें लिख दिया वन और यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया है राम इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्टैक्ट नंबर इसके बाद मैंने दूसरा लिखा यहाँ से श्याम और कॉन्टैक्ट नंबर ठीक है उसके बाद मैंने यहाँ पे तीसरा लिखा जैसे कि अमन और इसका मैंने कॉन्टेक्ट नंबर लिख दिया ठीक है और और अगर आपको रो या कॉलम चाहिए हो तो अगर आप प्रेस करेंगे तो आपको और अगली रो अपने आप मिल जाती है कॉलम इंसर्ट कैसे करना है वो भी हम आपको बताएंगे तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है आयुष और यहाँ पे मैंने लिख दिया है कॉन्टैक्ट नंबर ठीक है अब जब देखिए टेबल के अंदर कर्सर है तो यहाँ पे दो ऑप्शन और आ रहे हैं डिजाइन का एक लेआउट का तो गाइज ये जो डिजाइन और लेआउट ऑप्शन है ये मैंने आपको वर्ड में पूरा टेबल ऑप्शन मैंने पढ़ाया है और मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगी कि टेबल के ऊपर मैंने एक इंडिविजुअल वीडियो भी बनाया है एमएस वर्ड में आपको टेबल वर्ड हो या आपका ये पावर पॉइंट हो जो वर्ड में ये ऑप्शन थे डिजाइन और लेआउट के डिक्टो सेम टू सेम एक ऑप्शन आपका सेम इसमें दिया हुआ है कोई भी उसमें चेंजेस नहीं है तो आप टेबल का वो इंडिविजुअल वीडियो जरूर देख लें ताकि आपको एक एक ऑप्शन कवर हो जाए क्योंकि आप जानते हैं इंसॉर्ट टाइप में अगर हम टेबल का इतना बड़ा आपको एक एक ऑप्शन समझाएंगे तो वीडियो हमारा बहुत लंबा जाएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम पावर पॉइंट पे भी टेबल मेन्यू से रिलेटेड इंडिविजुअल वीडियो बना देंगे चलिए फिलहाल इसमें हम थोड़ी चीजें समझ लेते हैं कि टेबल हमने क्रिएट की है अब देखते हैं डिजाइन पर डिजाइन में क्या है सबसे पहले टेबल को डिजाइन करने का आप यहाँ से टेबल को किसी भी तरीके से डिजाइन कर सकते हो आपको यहाँ से प्री डिफाइंड डिजाइन मिल जाती हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डिजाइन पसंद आए आप उसको यहाँ से अपना चूज कर सकते हो ठीक है इसके बाद जब आप टेबल को डिजाइन कर रहे हो तो आपको देखिए ये यहाँ से क्या पूछ रहा है कि तो आपके जो हेडर है वो किसमें है क्या हेडर रो को आपको हाईलाइट करना है अगर आपने हटा दिया तो नहीं करेगा या फिर अगर आप कह रहे हो टोटल रो को हाईलाइट करना है तो टोटल रो को वो वैसे करेगा आप कहोगे बैंडेड रोल्स मतलब बैंडेड रोल्स अगर हटा देते हो तो उनके बीच की जो शेडिंग है वो चली जाएगी फिर अगर आपकी अगर कहीं हेडर फर्स्ट कॉलम में है अगर आपने ऐसे करके टेबल बनाई हॉरिजेंटल आप उसको कह दो कि फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट करो तो वो फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट करेगा

और इसमें मैंने यहाँ पे कोई और शेड कर दिया मैंने इसमें कर्सर रखा और इसमें जैसे हमने यहाँ पे कोई और शेड कर दिया आप चाहो तो आप कई सारी सेल की आप एक साथ भी शेडिंग कर सकते हो जैसे इसका हमने शेड ऐसा कर दिया इनको सिलेक्ट किया और इनका हमने शेड यहाँ से कुछ इस तरीके का कर दिया जैसे कि कुछ ग्रे शेड और इनको मैंने सिलेक्ट किया इनका मैंने कुछ इस तरीके का शेड कर दिया आप चाहो अगर पूरे टेबल का एक शेड करना तो आप पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लो ठीक है तो आप पूरी टेबल को जब सेलेक्ट करोगे फिर जब आप शेडिंग करोगे तो सबका एक जैसा कलर हो जाएगा ऐसे टेबल में जो बॉर्डर है आप उनको भी चेंज कर सकते हो यहाँ पे कि टेबल में आप बॉर्डर लगा सकते हो ऑल बॉर्डर दे सकते हो अभी बॉर्डर नहीं थे तो आप इनको नो no बॉर्डर भी कर सकते हो अगर आप चाहो कि आउटसाइड टेबल के बॉर्डर आए तो आउटसाइड बॉर्डर आ जाएगा अगर आप चाहते हो कि टेबल के इन साइड बॉर्डर आए तो इन साइड भी बॉर्डर आ जाएगा ठीक है और ऐसे इसमें और भी ऑप्शन आते हैं कि टॉप बॉटम लेफ्ट राइट बॉर्डर कौन सा आपको देना है आप नो no बॉर्डर कर दो या फिर मैंने कहा कि मुझे अः इन साइड हॉरिजेंटल बॉर्डर चाहिए तो इन साइड हॉर्जेंटल बॉर्डर मिल जाएंगे या फिर यहाँ से आप इसके अंदर कोई भी जैसे डायगोनल बॉर्डर दे सकते हो तो आप ऐसे डायगोनल बॉर्डर आ जाएंगे डायगोनल अब बॉर्डर भी आप दे सकते हो तो ऐसे आ जाएंगे तो आप जैसे भी बॉर्डर देना चाहें वो तो आप इसमें ऐसे बॉर्डर दे सकते हैं इसके बाद अगर आपको इसके अंदर वर्टिकल बॉर्डर देना है तो आप यहाँ वर्टिकल बॉर्डर भी दे सकते हैं तो कॉलम के बॉर्डर आ जाएंगे अदरवाइज आप यहाँ से जाइए और आप कर दीजिए यहाँ से ऑल बॉर्डर तो टेबल में आपके पूरे टेबल में यहाँ पे बॉर्डर बन के आ जाएंगे वैसे तो ही आप टेबल में इफेक्ट दे सकते हो कोई भी तो ऐसे टेबल को हमने सेलेक्ट किया इफेक्ट पे देखते हैं सेल बेबल आप सेल का बेबल चेंज कर सकते हो आप देखो कैसे किस सेल हमारी अच्छी दिखती जा रही है तो ये सेल ऐसे मेरी थ्री डी जैसी दिखने लग जाएंगी तो आप यहाँ से सेल में कोई भी बेबल दे सकते हो तो आप देखिए कैसे हमारी टेबल दिख रही है ऐसे ही आप इसमें टेबल में शेडो दे सकते हो यहाँ से कोई भी शेडो देखेंगे आप कितने सारे में शेडो के ऑप्शन मिल गए आपको जो भी शेडो यहाँ से पसंद आए वो शेडो आप एक यहाँ से चूज कर सकते हैं मैंने ये शेडो चूज किए आप देखेंगे ऊपर से हल्की हल्की शेडो आ रही है ऐसे हमने इसको सिलेक्ट किया और हमने यहाँ से रिफ्लेक्शन दे दिया तो टेबल में आप देखेंगे यहाँ से आप रिफ्लेक्शन भी दे सकते हैं टेबल में इस तरीके से ठीक है तो यही कुछ ऑप्शन होते हैं टेबल्स रिलेटेड और तो ये तो हमारा था डिजाइन टैब और देख लेते हैं डिजाइन टैब में अगला ऑप्शन है क्विक स्टाइल का यहाँ से टेबल के अंदर जैसे कंटेंट लेके आने चाहिए उनको भी आप स्टाइल कर सकते हो आप देखोगे यहाँ से जो भी कंटेंट है उनका आप एक स्टाइल कोई भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो नहीं पसंद आता है तो हमारे आंटो किया और यहाँ से हम आपको बताएंगे कि आप अपने अकॉर्डिंगली इसके कलर चेंज कर सकते हो अगर आप सबके एक साथ नहीं चेंज करना चाहते हो तो आप ऐसे ऐसे करके आप इनको सेलेक्ट कर लो और आप सबके अलग अलग कलर यहाँ से भी दे सकते हो जैसे इसका मैंने रेड दे दिया और इनको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया तो इनको मैंने यहाँ से कर दिया कुछ ये शेड और इनका सॉरी हमने यहाँ से कर दिया रेड शेड इस तरीके से और ऐसे ही हम इस पे आए और इसका हमने शेड कोई और कर दिया जैसे कि हमने यहाँ से इसका शेड कर देंगे मोर कलर ले लेंगे और यहाँ से आप मोर कलर लेके भी इसका शेड चेंज कर सकते हो तो इसका हमने शेड जैसे कुछ ऐसा प्रिंक कर दिया इस तरीके से तो आप ऐसे भी इनको शेड कर सकते हो फिर आपने जो कंटेंट लिख के रखा है ना आप इसमें भी स्टाइल लगा सकते हो जैसे इनकी जो जिनको थीम कलर है वो आप यहाँ से इसका जो आउटलाइन का कलर है वो आप चेंज कर सकते हो आप देखोगे कि जो भी कलर्स है उनकी आउटलाइन का कलर चेंज हो रहा है नेक्स्ट की आउटलाइन का कलर आउटलाइन का वेट यहाँ से बढ़ा सकते हो कम कर सकते हो आउटलाइन का आप डेशेज बना सकते हो आप देखोगे ऐसे ही एक बार हम पहले कंटेंट को थोड़ा बढ़ा लेते हैं टेबल को भी बढ़ा लेते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए और ऐसे ही आप इसमें भी टेक्स्ट में भी आप इस तरीके से शेडो दे सकते हैं आप देखेंगे यहाँ से शेडो का ऑप्शन आ रहा है और सारे टेक्स्ट में कैसे शेडो हट रहा है टेक्स्ट में रिफ्लेक्शन भी दे सकते हो टेक्स्ट में आपको एक ग्लो भी लगा सकते हो जो भी ग्लो आपको पसंद आए अगर आपको अलग हाईलाइट कराना है तो आप करा सकते हैं ये ग्लो आप अलग अलग कलर से अलग अलग दे सकते हो जैसे कि ये पिंक जैसे आपका ये रेड कलर है और सॉरी येलो कलर है और आपको चाहिए इस इसपे हम येलो ग्लो दे आप इस पर सिर्फ येलो ग्लो दे दो ऐसे ये रेड शेड है तो इसको आपने सेलेक्ट किया और इस पर आप ग्लू पे गए तो इसको आपने थोड़ा सा रेडिश ग्लो दे दिया ऐसे ये पिंक है तो इस पे गए और यहाँ पे ग्लू पे जाके हमने इनको भी कुछ ऐसा सा ग्लो दे दिया इस तरीके से वैसे आप सब पे अलग अलग ग्लो भी दे सकते हो ठीक है ऐसे ही और ऑप्शंस आते हैं इसमें सॉरी टेक्स्ट में तो इसमें देखिए आप इसमें वेवल टेक्स में ब्लेवल बे, वेबल का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो इसके लिए आप यहाँ से टेक्स को वेवल या थ्री रोटेशन आप फिलहाल यूज कर सकते हैं लेकिन अभी यहाँ पे हमारा वैसा टेक्स नहीं है जो यहाँ पे ये यह सारे ऑप्शन आए इसके बाद बात आती है कि अगर आप टेबल अपनी ड्रॉ करना चाहते हैं कोई की मान लिया आपको यहाँ पे कॉलम बढ़ाना चाहते हैं रो बढ़ाना चाहते हैं आप खुद से ड्रॉ करना चाहते हैं हालांकि आप वैसे भी कॉलम और रो बढ़ा सकते हैं वो हम आपको लेआउट टाइप में बढ़ाएंगे पर अगर आप खुद से डिजाइन करना चाहते हैं तो आप ड्रॉ टेबल ले सकते हैं ड्रॉ पे क्लिक करते हैं, आपको पेंसिल मिल जाएगी और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी पेंसिल की स्टाइल कैसी होनी चाहिए वो आप अभी से चेंज कर सकते हैं जैसा भी बनाना हो पेंसिल के विथ कितनी ऊंची चाहिए वो आप चेंज कर सकते हैं पेंसिल का कलर कैसा होना चाहिए वो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं इसके बाद जब आप कोई कॉलम ड्रॉ करेंगे तो आपका वो इस तरीके से ड्रॉ होगा तो अब इसमें देखिए ये विथ हाइट नहीं पता चल रही क्योंकि इसमें स्टाइल लगा रखी है अब यहाँ पे देखिए अगर हम टेबल ड्रॉ करें तो आप देखिए कैसा स्टाइल बनाए तो जो हमने स्टाइल वहां से देंगे वो हमारा यहाँ पे वर्क करेगा ठीक है तो इस तरीके से आपकी टेबल ये वर्क करेगी एक बार जब आपने बना दिया है तो उसका कलर वाला नहीं चेंज होगा जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तभी वो सही होगा किसी <coughs> भी टेबल को ड्रॉ इरेज करने के लिए इरेजर पर क्लिक करिए और इस पर आप क्लिक कर दीजिए इरेजर पर हमने क्लिक किया और इस इसपे हमने इसको क्लिक कर दिया तो हमारा ये इरेज हो गया इस पर क्लिक किया ये रेज हो गया पूरा एक साथ इरेज करना है तो हमने ऐसे इसको इरेज कर दिया इस तरीके से ठीक है आपने देखा कि हमारी टेबल इरेज हो चुकी है इसके अंदर जब आप कर्सर रखोगे टेबल के अंदर तभी ऑप्शन आएंगे रिजल्ट दिया और मुझे ये हटाना है तो मैंने इसको भी हटा दिया पूरे कॉलम को इसको भी हटा दिया इस तरीके से ठीक है तो ये तो था टेबल में डिजाइन टैब ऐसे ही लेआउट टैब है लेआउट टैब में क्या है सेलेक्ट करने के लिए आप पूरी टेबल को सिलेक्ट करना चाहते हो अगर आप नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हो तो पूरी देखिए टेबल सेलेक्ट हो गई है चल आप खुद से सेलेक्ट कर लेंगे अंदर अंदर सेलेक्ट कर लीजिए या फिर मैं आपको बताऊँ टेबल की जो पूरी आउटलाइन आ रही है ना उस आउटलाइन पे आप कहीं भी कर्सर लेके जाएंगे तो आपको इस तरीके से बॉक्स मिलेगा देखिए ये वाला बस आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आपको किसी भी आउटलाइन पे ये वाला बॉक्स दिखता ना ये वाला आपको क्लिक कर देना पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी ऐसे ही अगर आपको मान लिया कोई एक सिर्फ कॉलम सेलेक्ट करना है तो आप कॉलम सेलेक्ट कर लो किसी में भी कर्सर रखा है और आपको पूरी रो सेलेक्ट करनी है पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी ऐसे ही आपको ग्रिड लाइंस व्यू करानी है कि नहीं आप ग्रिड लाइंस यहाँ पे शो करा सकते हो डिलीट करना है अगर किसी कॉलम या रो को तो आप उसे डिलीट कर सकते हो मान लिया हमें ये नेम वाला डिलीट करना है सेलेक्ट किया या इसके अंदर कर्सर रख लिया सिर्फ डिलीट पे गए क्या डिलीट करना है पूरा कॉलम पूरी पूरी रो या पूरी टेबल तो मैंने कहा पूरे मुझे कॉलम डिलीट करना है तो पूरा कॉलम डिलीट हो गया अंडू करके वापस ले आएंगे हम उसके बाद अगर आपको रो या कॉलम इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट कर सकते हो कि जो इंसर्ट अब इंसर्ट बिलो के ऑप्शन है वो रो के लिए है इंसर्ट लेफ्ट और राइट कॉलम के लिए क्योंकि तो रो हमेशा ये होती है तो ये ऊपर या नीचे इंसर्ट होती है कॉलम हमेशा वर्टिकल होते हैं उसमें लेफ्ट या राइट इंसर्ट होता है मान लिया मुझे राम और श्याम के बीच में एक रो चाहिए तो हम राम या शाम किसी पे भी कर्सर रखेंगे श्याम पे रखेंगे तो हम अब मिलेंगे और राम पे रखेंगे तो हम बिलो मिलेंगे तो इसे राम पे कर्सर है तो हमने कर दिया इंसर्ट बिल तो आपको एक यहाँ पे नीचे पूरी रो मिल गई है तो इसे अगर आपको कहीं कॉलम चाहिए जैसे सीरियल नेम सीरियल नंबर नेम के बाद अगर मुझे फादर नेम का कॉलम चाहिए तो इनमें से किसी पे भी कर्सर रखो और जैसे इसमें है कॉन्टेक्ट नंबर में तो मैंने कर दिया इंसर्ट लेफ्ट लेफ्ट साइड एक हमें कॉलम चाहिए कॉलम चाहिए हमने उसको यहाँ से अपना क्रिएट कर लिया है जैसे फादर नेम ठीक है और ऐसे ही हमने यहाँ पे जैसे फादर नेम लिखा है एक्स वाइजेड इसी फादर नेम को हम हमें कॉपी करेंगे और सब में हम पेस्ट कर देंगे ताकि हमें बार बार फादर नेम ना लिखना पड़े <coughs> सॉरी इस तरीके से मैं आपको और शॉर्टकट बताऊं रो और कॉलम इंसर्ट करने का वो तो कहीं भी इंसर्ट करना है आपको वहां कर्सर रखना है राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ से जैसे मान लिया हमें सीरियल नंबर नेम के बीच में इंसर्ट करना है तो हम राइट क्लिक करके भी इंसर्ट करा सकते हैं ठीक है या फिर आपको क्या करना है जैसे मान लिया हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है तो आपको बस यहाँ से इंसर्ट लेआउट पर जाना है इंसर्ट पर जाना और आपको यहाँ पे रो ये कॉलम इंसर्ट कर देना किसी को भी डिलीट करने के लिए जैसे ये रो मेरे डिलीट करनी है तो इसके अंदर कर्सर रखा और आप डिलीट पर क्लिक करिए और डिलीट रो कर दीजिए पूरी रो डिलीट हो जाए <laughs> वैसे एक ऑप्शन आता है इसमें मर्ज सेल्स का इसमें आप सेल को मर्ज कर सकते हो जैसे मुझे ऊपर लिखना है पूरा स्टूडेंट डेटा तो हम ऊपर एक पहले रो इंसर्ट कराएंगे इंसर्ट से और मैंने यहाँ पे जैसे लिखा स्टूडेंट रिकॉर्ड अब मुझे चाहिए कि स्टूडेंट रिकॉर्ड पूरे में लिख के आए तो इन सारे सेल को सिलेक्ट करेंगे और इसको हम यहाँ से मर्ज सेल्स कर देंगे जैसे मर्ज सेल करेंगे आप देखेंगे सारे सेल मर्ज हो चुकी है और अब इसको हम सेंटर में कर देंगे तो सेंटर अलाइनमेंट हमें यहाँ भी मिल रहा है और ये देखिए और अदरवाइज हम कंट्रोल ई e से या होम टाइप पे जाके भी हम सेंटर अलाइनमेंट यूज कर सकते हैं या फिर आपको लेआउट में भी देखिए सेंटर लेफ्ट राइट मिल रहा था आप यहाँ से भी यूज कर सकते थे आपने देखा कितना हमने पे पूरे में स्टूडेंट रिकॉर्ड लिख दिया वैसे ही आप स्प्लिट कर सकते हो मान लिया आपको एक सेल में अगर आपको दो कॉलम बनाने हैं जैसे सॉरी अगर आपको एक सेल में दो फील्ड बनानी है जैसे कि मैंने जहाँ पे फादर नेम लिखा है मैं चाहती हूँ यहीं पे मैं मदर नेम भी लिख दूँ ताकि कोई अपना फादर नेम लिखना चाहे तो फादर नेम लिख दे मदर नेम लिखना चाहे तो मदर नेम लिख दे तो आप वो भी कर सकते हो इसके लिए हम इस सेल में कर्सर रखेंगे तो जैसे आपने मर्ज सेल देखा कि कई सारी सेल्स को मिला के एक बनाती है वैसे स्प्लिट सेल क्या करती है एक सेल में कई सारी सेल्स बनाती है इस पर क्लिक करिए ये पूछेगा कि इसमें आपको कितने कॉलम तैयार करने हैं तो जैसे मैंने मुझे मैंने कहा मुझे दो कॉलम तैयार करने में इसको ओके okay कर दिया ठीक है अब देखिए यहाँ पे जो है दो पूरे कॉलम हमारे हो गए तो यहाँ पे अब आप कोई दू, दूसरा भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे अब लिख दिया है मदर नेम तो आपने देखा कि कितनी आसानी से हम इसमें एक सेल में दो सेल अपनी बना सकते हैं तो यही काम होता है स्प्लिट सेल्स का इसके बाद अगला ऑप्शन आता है हाइट और वेथ का तो यहाँ से आप किसी भी रो या किसी कॉलम के आप हाइट या फिर विध बढ़ा सकते हैं आप रो की हाइट बढ़ाना चाहते हैं रो की हाइट बढ़ा दीजिए कम करनी है तो आप कम कर दीजिए यहाँ से कर दीजिए सारे रो की एक साथ बढ़ानी है सबको एक साथ सेलेक्ट करिए सबकी एक साथ आप हाइट यहाँ से बढ़ा दीजिए वैसे अगर किसी कॉलम की बढ़ानी है उस कॉलम को सिलेक्ट करिए और आप यहाँ से इसकी विध बढ़ा दीजिए ठीक है इसके बाद डिस्ट्रीब्यूट रोज डिस्ट्रीब्यूट कॉलम आप ये सारे ऑप्शन और टेबल में अलाइनमेंट का काम जैसे पूरी टेबल में आपको डेटा सेंटर में चाहिए तो सिलेक्ट करिए और आप इसको यहाँ से सेंटर कर दीजिए सेंटर के बाद तीन और अलाइनमेंट होते हैं जो मैंने आपको कई बार पहले पढ़ाए हैं टॉप और एक मिडिल और एक बॉटम इस डेट सेल में डेटा टॉप साइड रहना चाहिए कि मिडिल साइड रहना चाहिए या फिर बॉटम साइड रहना चाहिए वो आप यहाँ पे अपना सही कर सकते हैं इसके बाद टेक्स्ट का डायरेक्शन जैसे कि नेम लिखा है नेम कैसा लिख के आए औरटल या रोटेट होके या इस तरीके से या फिर आपका इस तरीके से वो आप यहाँ से अपना सही कर सकते हो सेल में आप मार्जिन अपना दे सकते हो अगर सेल में आप चाहते हो कि मार्जिन छूट जाए हर तरफ से तो आप इसमें मार्जिन भी अलग तरीके से दे सकते हो नॉर्मल टॉप नैरो जो भी आप देना चाहो तो सेल में मार्जिन आपके तरीके से जैसे मैंने नैरो किया तो आपने देखा नैरो सबसे कम मार्जिन होता तो हमारा फादर नेम एक ही साथ आ गया अगर आप मार्जिन बढ़ाएंगे इसका देखना नन करेंगे तो भी सही है और वाइड करेंगे तो देखना फादर नेम ऐसे आएगा नॉर्मल करेंगे तो ऐसे आएगा ऐसे ही आप इसका विथ हाइट किसी भी उसका बढ़ा सकते हो जैसे अभी हमने यूज किया था टेबल का तो फिर आता है ब्रिंग फॉरवर्ड बैक अगर आपने कोई और भी टेबल इसके साथ या कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट इंसर्ट करके रखा है तो उसमें आप उसे ब्रिंग फॉरवर्ड या सेंट टू बैक का यूज कर सकते हैं सिलेक्शन पेन लेके आप इसमें जो भी चीजें आपने इंसर्ट करा के रखी है उन्हें आप शो और हाइड करा सकते हैं ठीक है तो ये होता है काम सिलेक्शन पेन का उसके बाद में ऐसे आप टेबल को अपनी अलाइन कर सकते हो अलाइन सेंटर अलाइन लेफ्ट और अलाइन राइट अलाइन टॉप बॉटम जो भी आप करना चाहो चाहोन टॉप ऐसे भी आप इसको कर सकते हो मिडिल करना है तो आप मिल कर मिडिल कर सकते हो ठीक है तो ये सब थे हमारे टेबल के ऑप्शंस और टेबल का साइज छोटा बड़ा करने के लिए आपको हर तरफ देखिए इसमें टेबल में डॉट मिलेंगे अगर आप इसकी सिर्फ हाइट कम करना चाहते हो तो आप ऐसे कम कर लो तो ऐसे आपकी हाइट कम हो जाएगी पूरी टेबल छोटी करने के लिए आपको इस तरीके से टेबल को छोटा करना है और ऐसे अगर आप पूरी टेबल को बड़ा करना चाहते हो तो आप इस तरीके से पूरी टेबल को बड़ा कर सकते हो टेबल के अंदर कंटेंट को अगर हम छोटा कर देते हैं बाय द वे आप देखेंगे तो अगर आप टेबल को छोटा करेंगे तो ये आसानी से आपकी टेबल छोटी हो जाएगी ठीक है तो ये काम होता है टेबल का आपने देखा कि हमने टेबल के जितने भी ऑप्शन थे सबको जल्दी जल्दी से अपना सारे हमने अपने कवर कर लिए हैं आई होप आप लोगों को पसंद समझ जरूर आ गए होंगे तो चलिए अब चलते हैं अगले ऑप्शन पर पिक्चर्स पर तो हम लेते हैं एक नई स्लाइड और यहाँ से हम आपको बताते हैं पिक्चर्स ऑप्शन तो जब हम स्लाइड लेंगे यहाँ से तो हम ब्लैंक स्लाइड लेंगे ताकि आपको पिक्चर बताने में हमें आसानी हो इस पर कोई टेक्स्ट बॉक्स ना हो पिक्चर्स का काम होता है आपके सिस्टम में या फिर आपने जो भी अपने बाई क्लाउड पे या कहीं अगर आपने पिक्चर इंसर्ट करके रखी है आपने सेव करके रखी तो उनको आप अपनी प्रेजेंटेशन में इंसर्ट करा सकते हैं देखिए इंसर्ट टाइप का काम ही है कि हर एक चीज को अपने डॉक्यूमेंट में अपने प्रेजेंटेशन में इंसर्ट करने का पिक्चर पर हमने क्लिक किया अब जहां भी पिक्चर होंगी उन पे हम अपना क्लिक कर लेंगे अपनी पिक्चर ओपन करिए और इंसर्ट पर क्लिक कर दिया पिक्चर हमारे सामने इंसर्ट हो चुकी है इसका साइज हम कम ज्यादा करना चाहेंगे तो ऐसे कर देंगे अगर आप टॉप और ये बॉटम साइड से करोगे तो सिर्फ इसकी हाइट कम होगी लेफ्ट राइट से करोगे तो सिर्फ इसकी विथ कम होगी और अगर ये कॉर्नर से करोगे तो हाइट भी दोनों एक साथ कम होंगी पिक्चर जब हमने इंसर्ट किया आपने देखा ऊपर से फॉर्मेट मेन्यू आया है बाहर क्लिक करेंगे तो ये नहीं आएगा पिक्चर पे क्लिक करेंगे तभी आएगा सबसे पहला ऑप्शन है रिमूव बैकग्राउंड का यहाँ से आप पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो बार्क एरिया कर सकते हो मार्क एरिया टू रिमूव कर सकते हो जैसे अगर आपको एरिया अपने आप मार्क करना है कि कितना हमें इसका बैकग्राउंड हटाना है तो आप अपने आप से इसको मार्क कर लो ठीक है इस तरीके से तो ऐसे ही आप इसको कर सकते हो ऐसे हमने यहां से ये इतना कर लिया है ऐसे ही अगला मैंने यहां से खुद से ये मार्क कर दिया है और चौथा मैंने ऐसे ही अगला यहाँ से अपना ये मार्क कर दिया है इसके बाद में आपको वे, वो एरिया अगर रिमूव करना है तो आप उसको रिमूव कर लो डिलीट मार्क करना डिलीट कर लो की कर करेक्शंस दे सकते हो करेक्शन का मतलब ये होता है आप इसके कलर वगैरह चेंज कर सकते हो तो पिक्चर को हम अपना वैसे ही नॉर्मल कर लेते हैं जैसा हमारी थी बिल्कुल उसके बाद हम आपको करेक्शन दिखा देते हैं तो करेक्शन में देखेंगे आप पिक्चर के कलर चेंज होते जाते हैं जैसा आप इसको आपको जैसा इसका कलर पसंद है डार्क लाइट आप इसको ऐसे बना सकते हो देखेंगे आपको यहाँ से बहुत सारे पिक्चर के जैसे हम लोग नॉर्मल अपने फोन में पिक्चर में उसमें फिल्टर लगाते ना वैसे इसमें कलर का, का काम होता है अब इसके बाद में अगला ऑप्शन आता है यहां से एस्थेटिक इफेक्ट्स का फिर पिक्चर को आप कंप्रेस कर सकते हो जितने भी साइज पे आपको करनी हो ईमेल साइज पे प्रिंट स्क्रीन साइज पे जो भी आपको साइज का कम ज्यादा करना है वो आप कर सकते हो उसके बाद आप पिक्चर को चेंज कर सकते हो अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप चेंज कर लीजिए चेंज करने के लिए आप अपने सिस्टम से भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो विंग से आप सर्च भी कर सकते हो डायरेक्ट और उसके बाद आप अपने वन ड्राइव वगैरह पे सेव है तो आप वहां से भी ले सकते हो तो हमने फॉर्म फाइल पे क्लिक किया इसके बाद जहाँ भी हमारी पिक्चर थी हमने वो अपनी पिक्चर चूज कर लेंगे जैसे कि मेरी पिक्चर हम उसको रिप्लेस करना चाहते हैं किसी दूसरे से तो हम उसको इससे रिप्लेस कर देंगे ऐसे आप चेंज कर सकते हैं अदरवाइज हम अपनी वही पिक्चर रहना अगर रखने देना चाहते हैं तो वही रखेंगे फिर अगर रिसेट पिक्चर आप करोगे तो पिक्चर में जितने भी चेंजेस किए गए होते हैं करेक्शन कलर वगैरह जो भी चीजें वो सारी रिसेट हो जाती है पिक्चर आपकी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है लेकिन अगर मान लिया हमने इसमें कोई भी यहाँ से कलर वलर दिया उसके बाद हमने कुछ भी अगर इसमें चेंजेस किए आपने देखा ये सारी चीजें हमने की उसका रिसेट किया तो फिर से नॉर्मल हो गई आप पिक्चर में से बॉर्डर वगैरह दे सकते हो जैसा भी आप इसको देना चाहो आप देखोगे मल्टीपल टाइप्स के आपको यहाँ पर बॉर्डर मिल जाएंगे जो भी आपको पसंद आए वो आप बॉर्डर यहाँ से चूज कर सकते हैं इसके बाद पिक्चर के बॉर्डर का आप कलर चेंज कर सकते हैं अगर आपको नहीं पसंद आए नो आउटलाइन भी कर सकते हैं आप और आप मोर आउटलाइन कलर भी ले सकते हैं बॉर्डर के अगर आपको ये नहीं पसंद आते हैं आप यहाँ से कलर ले लो ये भी ना पसंद आए तो आप कस्टम पे जाइए और आप खुद का कोई कलर यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए इस तरीके से लाइट डार्क करके फिर आप यहाँ से बॉर्डर का वेट यहाँ पे कम ज्यादा कर सकते हो आप देख रहे हो किस तरीके से वेट कम ज्यादा हो रहा है और ऐसे ही उसके बाद में अगला ऑप्शन आता है पिक्चर में पिक्चर के बॉर्डर का आप यहाँ से स्टाइल चेंज करते हो डैश डॉट जो भी आपको पसंद है फिर आपको यहाँ से और ऑप्शन मिलेंगे पिक्चर में इफेक्ट देने का जैसे पिक्चर में आप प्रिसेट ऐसे चेंज कर सकते हो देखोगे आप इसकी प्रिसेट कैसे चेंज हो रही है जो भी आपको पसंद है उस पर आप क्लिक कर दीजिए आज से आप पिक्चर में शेडो लगा सकते हो जो भी आपको शेडो पसंद आए वैसे मैंने ये शेडो लगाई है इसके बाद अगला ऑप्शन आता है रिफ्लेक्शन दे सकते हो आप पिक्चर में यहाँ से इसके बाद अगला यहाँ से ऑप्शन आता है पिक्चर में आप कोई भी ग्लो दे सकते हैं ग्लो से देखिए इसका साइड में कलर जैसे आपके सामने आते चले जाएंगे तो ये होता है ग्लो ऑप्शन ऐसे ही और ऑप्शन आते हैं पिक्चर इफेक्ट में आप यहाँ से सॉफ्ट एज यूज कर सकते हो सॉफ्ट एज में क्या होता है जितने पॉइंट आप बढ़ते जाओगे पिक्चर आपके साइड से ब्लर होती चली जाती है इस तरीके से ठीक है इसके बाद आपका आता है यहाँ से बेवल का बेवल आप यूज कर सकते हैं यहाँ से पिक्चर की बॉर्डर है उसके कॉर्नर चेंज होते रहते हैं ठीक है और उसके बाद आप पिक्चर में थ्री रोटेशन भी लगा सकते हो कोई चीज अगर आपने लगा ली आपको हटानी है तो आपको उसी पर क्लिक करना है रिफ्लेक्शन हटानी है और यहाँ से नो रिफ्लेक्शन पर क्लिक कर देना है थ्री डी रोटेशन हटाना है इस पे गए और यहाँ पे नो no रोटेशन पे क्लिक कर देना अगर आपको ग्लो हटाना है तो आपने इस पर क्लिक किया और ग्लो पे आपने नो no ग्लो कर दिया शेडो हटाने और नो no शेडो कर दिया इस तरीके से आप पिक्चर का लेआउट चेंज कर सकते हो किसी भी स्मार्ट आर्ट जैसे आपको लेआउट में पिक्चर आपकी चेंज हो जाएगी ठीक है फिर अगर आपने दो तीन एक साथ अगर आपने पिक्चर लेके रखी है तो उनको आप ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड टू बैक कर सकते हो जैसे कि एक पिक्चर अभी हमारे पास है और हमें चाहिए कि हम एक पिक्चर और इंसर्ट करें तो इंसर्ट पे गए पर यहाँ पे जैसे मैंने अपनी ये पिक्चर को भी यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है ठीक है अब आपने देखा कि वो जो हमारी पिक्चर थी वो पीछे छिप जा रही अब मुझे जैसे उसके ऊपर इस पिक्चर को रखना है ये वाली जो पिक्चर है इसके मुझे उसके ऊपर इस पिक्चर को रखना सेट करना पर पीछे चली जाती है तो इस पिक्चर को सेलेक्ट करके कर दूंगी ब्रिंग फॉरवर्ड इससे क्या होगा पिक्चर इसके ऊपर रहेगी अगर पीछे भेजना हो या इसको ऊपर लाना हो तो पीछे वाले को सेलेक्ट करके आप ब्रिंग फॉरवर्ड कर दीजिए पीछे वाली ही चली गई है ऊपर वाली को सिलेक्ट करके सेंड टू बैक कर देंगे तो आप इनको ऐसे सेंड टू बैक ब्रिंग फॉरवर्ड कर सकते हो तो उसके बाद फिर वही अपने सिलेक्शन पेन जो कि ये दिखाती है कि इस पर कितनी चीजें इंसर्ट की गई हैं तो आप सिलेक्शन पेन पे जाके आपने देखा यहाँ पे दो पिक्चर हैं अगर आप किसी पिक्चर को भी हाइड करके रखना चाहते हो तो उसकी आप ये जो आई बन के आ रही है इस पर आप क्लिक कर दीजिए तो पिक्चर आपकी हाइड हो जाएगी इंसर्ट है पर हाइड हो जाएगी सारी हाइड करनी है आप हाइड ऑल पर क्लिक कर दो तो भी आपकी हाइड हो जाएगी तो मान लिये सिलेक्शन पेन हट गई है धोखे से अब आप पिक्चर कैसे वापस लेके आए तो इसके लिए आपको वापस सिलेक्शन पेन लाने के लिए आप होम टैब पे आइए आपको अरेंज में भी ये सिलेक्शन पेन मिल जाएगा और उसके बाद आप सिलेक्ट पर क्लिक करिए तो भी आपको ये सिलेक्शन पेन मिल जाएगा यहाँ से जाके आप वापस शो ऑल करा सकते हो उसी स्लाइड पर वापस आओ यहाँ पे शो ऑल करा दो ठीक है ऐसे ही और देख लेते हैं पिक्चर के ऑप्शन तो अगला यहाँ से ऑप्शन आता है अलाइन का तो आप यहाँ से पिक्चर को अलाइन कर सकते हो लेफ्ट साइड सेंटर साइड राइट साइड जैसे टेबल में यूज किया था टॉप साइड बॉटम साइड ऐसे बहुत सारे आपको ऑप्शन यहाँ से मिल जाएंगे वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो फिर आप दो पिक्चर्स को एक साथ ग्रुप कर सकते हैं जैसे हमें मान लिया ये दोनों पिक्चर को एक साथ कहीं लेके जाना है अब मैं एक को ले जाते हैं तो दूसरी छूट जाती है मुझे चाहिए कि जहां जाए दोनों एक साथ जाए तो इसके लिए मान हम लिया हमारे पास तीन पिक्चर हैं तो हम देखिए इसका एक कंट्रोल डी प्रेस करके इस पिक्चर का मैंने एक डुप्लीकेट तैयार कर लिया है कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट मिल जाता है और एक बार और फिर मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया और एक और इसका डुप्लीकेट तैयार कर लिया तो मैंने क्या किया यहाँ पे मैंने चार पिक्चर्स बना ली है टोटल और मुझे चाहिए कि अब मैं जहां भी लेके जाऊंग ये चारों पिक्चर हमारी एक साथ जाए एक ले जाते हैं दूसरी छूट जाती दूसरी जाते हैं पहली छूट जाती है तो मैं इनको क्या करूंगी चारों को ग्रुप कर लूंगी ग्रुप का ऑप्शन अभी आप देख रहे हैं हाईलाइट नहीं हो रहा है ये तब हाईलाइट होगा जब आप दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट को एक साथ सेलेक्ट करेंगे एक पिक्चर को हमने सेलेक्ट किया अब हमें दूसरी पिक्चर तीसरी पिक्चर को भी साथ ही में सिलेक्ट करना है एक साथ मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए एक सिलेक्ट करने के बाद आपको स्विफ्ट प्रेस कर देना है और स्विफ्ट दबाए दबाए आपको बाकी की पिक्चर्स पे भी क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करते जाएंगे आप देखेंगे सारी सिलेक्ट हो चुकी है इसके बाद ग्रुप ऑप्शन हमारा इनेबल हो गया हमने इनको ऐसे ग्रुप कर दिया जब ग्रुप कर दिया आप देखेंगे ये आप जहां लेके जाएंगे चारों एक साथ जाएंगे देखिए आप अगर आप मान लिया आप पर्टिकुलर आप किसी पे क्लिक करके मूव कराना चाहते हो तो आप कर सकते हैं अदरवाइज अदरवाइज आप sorry, आप सॉरी इस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये क्या होगा ये सारी पिक्चर आपकी एक साथ में ही फिर कहीं जाती है अनग्रुप करके आप इन्हें अलग अलग कर सकते हो ग्रुप करके आप इन्हें कहीं भी एक साथ ऐसे ले जा सकते हो ठीक है आप अनग्रुप यूज कर सकते हो और आप इन्हें वापस भी रिग्रुप कर सकते हो तो ये होता है ग्रुप उसके बाद में देख लेते हैं अगला ऑप्शन क्या है तो यहाँ से आप पिक्चर को रोटेट करा सकते हो रोटेट कराने के लिए आप पिक्चर को 90 डिग्री फिर पर्टिकल फिर रोटेट करा सकते हो किसी भी पिक्चर को आप क्रॉप कर सकते हैं और क्रॉप करने के लिए जैसे ये पिक्चर को हमें क्रॉप करना है तो हम यहाँ आएंगे और यहाँ पे क्रॉप पर क्लिक करेंगे क्रॉप पर क्लिक किया अब आपको जितनी पिक्चर अपनी क्रॉप करनी है आपको उतना इसको ऐसे क्रॉप कर देना है जैसे हम लोग फोन में क्रॉप करते हैं इसके बाद आपको क्रॉप पर क्लिक कर देना आपकी उतनी पिक्चर एक हो जाएगी ठीक है ऐसे किसी भी पिक्चर की हाइट और विथ को बढ़ाने के लिए आप ये यूज कर सकते हैं हाइट तो आप देखेंगे ऑप्शन है वर्क करता है उसमें क्या होता है कि जब हाइट आप बढ़ाओगे हाइट ही बढ़ेगी विथ बढ़ाओगे तो विथ ही बढ़ेगी ठीक है तो ये थे हमारे सारे पिक्चर के ऑप्शन अब वापस आ जाते हैं हम अपने इंसर्ट टाइप में अगले ऑप्शन पर अगला ऑप्शन है ऑनलाइन पिक्चर्स का यहाँ से आप ऑनलाइन पिक्चर्स वगैरह अपनी सर्च कर सकते हो अगर आपको अपने सिस्टम से पिक्चर नहीं लेनी तो आप यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर पर क्लिक करिए और ऑनलाइन पिक्चर के बाद आपके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए आप गूगल ड्राइव या वन ड्राइव पे आप कुछ भी जो भी आपको पिक्चर चाहिए हो वो आप यहाँ पे ऐसे सर्च कर सकते हैं जैसे मैंने कहा कंप्यूटर पिक्चर्स मुझे चाहिए ठीक है कंप्यूटर पिक्चर्स लिखने के बाद जब इंटरनेट की कनेक्टिविटी होगी तो आपके में ऐसे पिक्चर्स आ जाएंगे और आपको जो भी पिक्चर अपने इस फाइल में इंसर्ट करनी है आपको सिंपली बस उस पिक्चर पर ऐसे क्लिक करना है और इंसर्ट पर क्लिक कर देना है अगर आपको और पिक्चर चाहिए आप स्विफ्ट के साथ दूसरी भी सिलेक्ट कर लो तीसरी भी सिलेक्ट कर लो ठीक है उसके बाद आप इंसर्ट पर क्लिक कर दीजिए और आपकी वो पिक्चर डाउनलोड होके इस डॉक्यूमेंट पर हो जाएंगे क्या लिखा सॉरी वी कुडंट डाउनलोड वन और टू फाइल्स यू सिलेक्टेड कंटिन्यू एनवीएस तो कुछ भी कुछ ना कुछ इंटरनेट का इश्यू होगा तो ये ऐसा होता है आपकी पिक्चर हो तो इसमें शायद अथॉरिटी नहीं होगी या फिर एक इसका ये भी रीजन होता है कि अगर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट आपके में लाइन लॉग इन या साइन अप तो आप इसमें ये काम कर सकते हैं बाद अगला ऑप्शन आता है स्क्रीनशॉट का स्क्रीनशॉट का, का काम क्या होता है कि जिस भी आप एक विंडो पे काम कर रहे हो उसके जो पिछले दूसरी विंडो ओपन है उसका अगर आप कोई स्क्रीन इस, इस पे लाना चाहते हो तो आप ला सकते हो जैसे मैं आपको दिखाऊं कि मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ से एक एक अपने दूसरे पीपीटी यहाँ से ओपन करेंगे जैसे कि हम देख लेते हैं अः कोई भी एक पीपीटी ओपन करके या फिर कोई अगर वर्ड वगैरह की अगर आप फाइल ओपन करना चाहते हो तो आप वर्ड वगैरह की भी फाइल ओपन कर सकते हो जैसे मैं अपनी फाइल्स पे आई हूँ और यहाँ पे मैं एक अप, अपनी कोई भी एक अपनी फाइल ओपन कर लूंगी तो मैंने यहाँ पे जैसे आ, एक कोई भी फाइल ओपन कर लेते हैं जैसे हेलो एक्सेल के नाम से फाइल है इसको मैंने यहाँ पे ओपन किया है

एज ए पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा बस यही काम होता है स्क्रीन शॉट का स्क्रीनशॉट लोगे तो देखिए फिर वही पिक्चर की तरह सारे ऑप्शन आ जाएंगे क्योंकि ये भी पिक्चर के फॉर्मेट में आया है तो जैसे वो सारे ऑप्शंस थे वही सारे ऑप्शन उसी तरीके से इस पे आपके वर्क करेंगे ठीक है ऐसे ही हमारा अगला ऑप्शन है फोटो एल्बम का तो यहाँ से आप फोटो एल्बम बना सकते हैं फोटो एल्बम बनाने के लिए हम काम करते हैं कि हम एक नई साइज स्लाइड ले लेते हैं ब्लैंक फिर उसमें आपको हम बता दें फोटो एल्बम फोटो एल्बम के लिए आपके पास कुछ फोटोज होनी चाहिए तो जैसे मैंने यहाँ पे अपना क्रोम ओपन किया है उसके बाद हम यहाँ आएंगे और हम यहाँ से कुछ ऐसे फोटो डाउनलोड कर लेंगे जैसे मैंने यहाँ पे किया कंप्यूटर रिलेटेड रिलेटेड इमेजेस ठीक है ये यह मैंने यहाँ पे ऐसे कर लिया अब तो मुझे इसमें से कुछ पिक्चर्स को डाउनलोड करना है तो मैंने उनको सॉरी तो मैंने उनको यहाँ पे राइट क्लिक करके सेव कर लिया है तो जैसे मैंने उन्हें डाउनलोड वन के नाम से यहाँ पे सेव कर दिया है दूसरी पिक्चर यहाँ पे मैंने डाउनलोड की क्योंकि मेरे सिस्टम में ज्यादा पिक्चर्स नहीं है तो उनको इस तरीके से अपनी सेव कर लेंगे ताकि हम आपको ये सारी चीजें बता पाए उसके बाद मैंने इस पिक्चर को यहाँ पे सेव कर लिया है डाउनलोड थ्री के नाम से आप इनके ने, ने नेम चेंज भी कर सकते हैं अगर आपको करना हो तो अदरवाइज आप इनको डायरेक्टली ऐसे सेव कर सकते हैं जैसे हम इन्हें सेव करते जा रहे हैं अभी यहाँ पे और इसके साथ ही साथ मैंने इस पिक्चर को लिया जिसको भी मैंने यहाँ पे सेव कर लिया तो कुछ जब हमारे पास पिक्चर इकट्ठी हो जाएंगे तो उनको यहाँ से उनकी हम एक एल्बम तैयार करेंगे तो गाइज ये देख रहे हैं आप हमने कुछ पिक्चर्स अपनी जो हैं वो यहाँ पे अपनी सेव कर ली हैं और एक और ये ये लास्ट कर लेते हैं अपनी सेव और सेव और हो गई अब आते हैं वापस अपने पावर पॉइंट पे आप बनाएंगे इनके एल्बम फोटो एल्बम पर क्लिक करेंगे न्यू फोटो एल्बम पर क्लिक करेंगे उसके बाद सबसे पहले आपको इंसर्ट पिक्चर फॉर्म पर जाना है और आपको उन पिक्चर्स को सिलेक्ट करना है जिनकी आपको एल्बम बनानी फाइल डेस्क पर क्लिक करेंगे और जहां भी हमारी पिक्चर्स होंगी वहां आ जाएंगे उसके बाद आपको एक पिक्चर पर क्लिक करना है फिर आपको कंट्रोल के साथ दूसरी और जिनके जिनके आपको जिनको इनको आपको एल्बम में ऐड करना है वो सब आपको ऐसे सेलेक्ट कर दे रही है फिर आपको नीचे आना है कंट्रोल से ये भी ये भी ये भी ये और ये भी और फिर आपको इंसर्ट पर क्लिक करना है कंट्रोल के मदद से आप एक के साथ कई सारी पिक्चर यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो ठीक है उसके बाद आप इंसर्ट पर क्लिक करोगे आपकी सारी पिक्चर यहाँ पे आ रही है और आप देखिए आपको दिखा रहा है कि डाउनलोड वन डाउनलोड टू डाउनलोड इमेज वन इमेज टू ऐसे आपके सारी पिक्चर आ रही है किसी पिक्चर को आपको देखना है तो आप उस पर क्लिक करो आपको इधर प्रिव्यू दिखता रहेगा उसके बाद अगला ऑप्शन क्या आ रहा है न्यू तो इंसर्ट टेक्स्ट न्यू टेक्स्ट बॉक्स अगर आपको कहीं टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स भी ले सकते हो तो आपके पिक्चर के बीच में कोई टेक्स्ट बॉक्स भी आपका इंसर्ट हो जाएगा जिसपे आप कुछ लिख सको अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हो ठीक है इसके बाद चलिए अब हम देखते हैं तो रिमूव करने के लिए उसको हम यहाँ से करेंगे ऐसे और इसको हम रिमूव कर देंगे किसी भी पिक्चर को अगर आपको ऊपर नीचे मूव मूव अप डाउन कराना है तो उस पिक्चर को आप यहाँ से टिक कर लो और आप इसको मूव अप कर दो तो ये ऊपर चली जाएगी ठीक है ऐसे ही अगला ऑप्शन आता है पिक्चर ऑप्शन का तो आपको कैसी पिक्चर चाहिए ऑल पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं चाहिए तो हम इन्हें ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रखेंगे हम इस पे ऐसे क्लिक रखेंगे इसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है कैप्शन बिलो ऑल पिक्चर हर पिक्चर के नीचे कैप्शन आए अगर आप ऐसा चाहते हो तो ठीक है फिर अगला ऑप्शन आ रहा है पिक्चर का लेआउट कैसा होना चाहिए हर एक स्लाइड पे क्या एक पिक्चर आनी चाहिए तो आप फिट टू तो स्लाइड ले लो वन पिक्चर है स्लाइड एक पिक्चर पर एक एक स्लाइड पर एक पिक्चर देखिए फिट टू तो स्लाइड करोगे तो पूरी स्लाइड पे आप देखोगे इस तरीके से पिक्चर आएगी अगर आप वन पिक्चर करोगे तो स्लाइड में आधी स्पेस पे आपकी पिक्चर आएगी अगर आप चाहते हो एक स्लाइड पे दो पिक्चर आए तो आप दो पिक्चर ले लो चार चाहते हो चार ले लो वन पिक्चर विद टाइटल आप चाहते हो एक पिक्चर टाइटल के साथ आए तो वो ले लो अगर आप चाहते हो टू पिक्चर विद टाइटल आए कि हम ऊपर टाइटल भी दे सके तो आप टू पिक्चर ले लो फोर पिक्चर टाइटल टू पिक्चर विद टाइटल तो आप फ्रेम शेप ले, ले सकते हो पिक्चर में आप तो उनका फ्रेम भी दे सकते हो राउंडेड रेक्टेंगल दे दिया रेक्टेंगल दे दिया तो इसमें बॉर्डर जैसा बन के आएगा सिंपल फ्रेम व्हाइट आप दे सकते हो सिंपल फ्रेम आप ब्लैक दे सकते हो कंपाउंड फ्रेम ब्लैक दे सकते हो ऐसे ही सेंटर शेडो आप दे सकते हो और आपको जो भी पसंद आए तो जैसे मैंने राउंडेड रेक्टेंगल दिया इसके बाद आप अगर चाहते हो कोई थीम देना कि हम कोई थीम देना चाहते हैं अपनी फोटो एल्बम में तो आप यहाँ से थीम ले लो थीम आपके में जो होंगे आपको वही लेने पड़ेंगे तो ऐसे मैंने यहाँ पे एक थीम सिलेक्ट किया देखते हैं ये कैसे वर्क करेगा उसके बाद हम इसको यहाँ से करेंगे क्रिएट कोई भी पिक्चर अगर आपकी है और आपको ऐसा लग रहा है कि उस पिक्चर में हमें कुछ चेंज करना है तो आप उस पिक्चर को सिलेक्ट करो और आप अगर उसके बाद चाहो कि उसको हमें रोटेट करना है तो आप यहाँ से देख सकते हो लेफ्ट रोटेट करा सकते हो राइट रोटेट करा सकते हो उसमें आप कॉन्ट्रास्ट कम ज्यादा कर सकते हो देखो तो ब्राइटनेस बढ़ती आ रही है ब्राइटनेस कम हो रही है कॉन्ट्रास्ट बढ़ रहा है कॉन्ट्रास्ट कम हो रहा है इस तरीके से आप उसे भी यहाँ एडिट भी कर सकते हैं इसके बाद हम करेंगे क्रिएट पर क्लिक जैसे हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे देखिए जो थीम हमने लिया था वो थीम ऐसा हमारा था जो कि अब दिख रहा है उसके बाद लेके आ रहा है फोटो एल्बम बाय जावा टी पॉइंट ठीक है यहाँ पे आप अपना नाम भी चेंज कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फोटो एल्बम बाय एक्स वाई जेड ठीक है यहाँ पे आप कोई भी नाम अपना ऐड कर सकते हो तो जो उसमें ऑथर नाम होता है वही वो पिक करता है इसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है यहाँ से देखिए पिक्चर और देख रहे हैं आप सब में आपको ये टाइटल का ऑप्शन मिल रहा है जिसको आप कहीं भी सेट कर सकते हो जहां भी आपको सेट करना ऐसे इसमें भी आपको टाइटल मिल रहा है आप इसको भी कहीं भी जगह ऐसे सेट कर सकते हो ऐसे इसमें भी आपको टाइटल मिल रहा है टू फोटो फो... टाइटल जो हमने दिया था वो हमारा टू फोटो विद टाइटल आ रहा है और हमारी एक फोटो एल्बम बन के यहाँ पे आ गई है लास्ट में एक ही पिक्चर बनी थी तो एक ही बची हमारी इस फोटो एल्बम को भी आप अपने अकॉर्डिंग अभी इसको कस्टमाइज कर सकते हो आप इसमें कोई भी कलर डिजाइन वगैरह चेंज कर सकते हैं इसका भी आप फॉन्ट स्टाइल से चेंज कर सकते हैं जो भी आपको पसंद आए फॉन्ट साइज आप इसका यहां से बढ़ा सकते हैं इस तरीके से आप इसमें भी कोई शेडो लगा सकते हैं तो ऐसे आप इसको डिजाइन कर लेंगे फिर इसमें आप कोई भी टाइटल एड कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है कंप्यूटर फिक्स तो आप इसको भी अपना डिजाइन वगैरह कर सकते हो जैसे भी आप इसको भी करना चाहो तो ये हमारी बनके तैयार हो गई है फोटो एल्बम इस तरीके से आप अपनी कोई भी फोटो एल्बम बना के तैयार कर सकते हैं वापस आपको इंसर्ट पर जाना है फोटो एल्बम में आपको क्लिक करना है आप देखेंगे यहाँ से न्यू फोटो एल्बम आता है एडिट फोटो एल्बम आता है अगर आप किसी अपने फोटो एल्बम को एडिट करना चाहते हो तो आप यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं एडिट करने का मतलब कोई पिक्चर हटानी है या कोई ऐड करनी है तो आप ऐड कर सकते हो या आप चाहते हो कि कैप्शन सब में नीचे आए तो आप नीचे दे सकते हो ऊपर देना चाहो तो ऊपर दे सकते हो ऐसे कई सारे ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएंगे और फोटो ऐड करनी है तो आप और फोटो भी यहाँ से ऐड कर सकते हो जैसे आप दे रहे हो कि हमने हर फोटो में दिया है राउंडेड रेक्टेंगल फ्रेम इसको अगर हम चेंज करना चाहें मान लिया हमने कहा कि कंपाउंड फ्रेम ब्लैक देना और यहां से हम इसका थीम भी अब चेंज कर देंगे हम ले लेंगे यहां से आईकॉन बोर्ड रूम और इसको हम यहाँ से अपडेट कर देंगे अब आप देखो कि इसका थीम भी चेंज हो गया और इसमें सब में देखिए फ्रेम कैसा आया इस बार कंपाउंड फ्रेम ब्लैक तो ये थीम भी बहुत अच्छा लग रहा है इस तरीके से आप अलग अलग थीम चेंज कर सकते हैं पिक्चर जो आपने इंसर्ट की है उनका भी आप साइज छोटा बड़ा ऐसे कर सकते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये हमारा फोटो एल्बम बनके तैयार हो जाएगा ठीक है जब भी आप फोटो एल्बम नया लुक बनाओगे तो आप ब्लैंक से बनाओगे उसके बाद ये अपने आप ही फोटो एल्बम की आप देखेंगे अपने आप से एक नई फाइल खुद ही तैयार हो जाती है उस फाइल पे ही आपको फोटो एल्बम नहीं बनता है इसे आप सेव कर सकते हैं अपने पास तो सेव करने के लिए आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे या सेव पर क्लिक करेंगे इसके बाद ब्राउज पर जाएंगे और आप इसको फोटो एल्बम या किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं हम आ जाते हैं अपने वापस दूसरी वाली प्रेजेंटेशन पर जिसमें हम आपको पढ़ा रहे थे और यहाँ से अगला ऑप्शन देखते हैं शेप को तो शेप हम आपको बताएंगे ब्लैंक पे तो शेप का बेसिकली काम भी जब आप शेप से रिलेटेड कोई ड्रॉइंग बनाए तो कोशिश आप करें कि आप अपनी स्लाइड ब्लैंक लें अब तो शेप का शेप का काम होता है किसी स्पेसिफिक ड्रॉइंग या किसी डायग्राम को बनाने के लिए तो आप शेप पर जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स भी मिलेगा जो हम होम टैब में भी पढ़ चुके हैं और साथ ही साथ आपको यहाँ से कई तरीके के शेप्स भी मिलेंगे आपको जो भी एक शेप चाहिए आप देखेंगे यहाँ से रिसेंटली यूज लाइंस रेक्टेंगल्स बेसिक शेप्स ब्लॉक इक्वेशन प्रो चार्ट स्टार्स एंड बैनर्स एंड कॉल आउट जैसे आपको कई सारे शेप मिलेंगे जो भी आपको चाहिए उस पर आपको क्लिक करना है और आपको उसके ऐसे क्रिएट कर लेना है जितनी आप हाइट विथ रखना चाहते हो वो आप रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग और हमारा शेप बन के तैयार है जब शेप सेलेक्ट होगा तो ऊपर फॉर्मेट का मेन्यू आएगा बाहर क्लिक करेंगे तो नहीं आएगा शेप पर क्लिक किया फॉर्मेट मेन्यू आया और देखिए कुछ कुछ वैसे ही मेन्यू आया है जैसे हमने पहले भी अभी पिक्चर में भी यूज किया था और उसके साथ साथ हमने फिलहाल तो ये शेप में जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं ये पहले हमने होम टैब में टेक्स्ट बॉक्स में भी पढ़े

इसके बाद इसमें एडिट पॉइंट का ऑप्शन आता है जहां से आप शेप को अपने अकॉर्डिंग उसके पॉइंट्स को आप एडिट कर सकते हो जैसा आप बनाओगे इसकी डिजाइन वैसे ही बनके तैयार हो जाएगी आप देखोगे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे शेप की डिजाइन ऐसी हो चुकी है ठीक है इसके बाद आप इसमें टेक्स्ट बॉक्स भी इंसर्ट कर सकते हो लिखने के लिए अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हो ठीक जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे लिखना चाहा हेलो तो मैंने यहाँ पे हेलो लिख दिया वैसे शेप को सिलेक्ट करोगे तो शेप के अंदर आपको कलर वगैरह फिल करने के ऑप्शन मिलेंगे या आपको प्री डिफाइन सारे कलर्स मिलते हैं जिसमें से आप किसी भी कलर का यहाँ पे यूज कर सकते हैं जो भी आपको कलर यहाँ से पसंद आ रहा है अदरवाइज आप शेप को सिलेक्ट करिए आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कोई भी कलर फिल कर दीजिए नहीं पसंद आए मोर फिल कलर पे जाइए यहाँ से आप स्टैंडर्ड लेना हो तो आप स्टैंडर्ड कलर ले लीजिए कोई अपने आप से और अगर आपको स्टैंडर्ड ना पसंद आए तो आप मोर फिल कलर पे जाइए और आप कस्टम में अपने आप बना लीजिए कलर तो कस्टम में अपने आप 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 कलर सेलेक्ट करके उसको लाइट डार्क कर सकते हो उसके बाद आप इसे ओके कर सकते हो ऐसे ही आप शेप के अंदर आप पिक्चर भी फिल कर सकते हो कोई भी पिक्चर आपने सिस्टम से उठाइए और आप उसको यहाँ पे फिल कर दीजिए जैसे कि मैंने ये पिक्चर्स के अंदर फिल कर न, इस तरीके से ऐसे शेप के अंदर आप ग्रेडियंट फिल कर सकते हो ग्रेडियंट में क्या होता है कि आप दो शेड में कलर बना के इसके अंदर फिल कर सकते हो ग्रेडियंट पर क्लिक किया यहां से आएंगे ग्रेडियंट पर क्लिक करेंगे तो आप देखोगे आपको यहाँ से कई सारे कलर मिला के एक कलर बनाने का ऑप्शन मिल रहा है जैसे पहला कलर तो ये व्हाइट है आपको नहीं पसंद आ रहा है आप यहाँ से दूसरा शेड ले लीजिए जैसे मैंने इसका ये शेड ले लिया इसके बाद आप चाहो जैसे चार कलर है अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप किसी को भी सिलेक्ट करके से डिलीट भी कर सकते हो ये नहीं चाहिए तो आप इसे भी डिलीट कर सकते हो ये नहीं चाहिए आप इसे भी डिलीट कर सकते हो और आप खुद का एक कलर बनवा सकते हो एटलीस्ट दो तो रहेंगे ही रहेंगे तो आप खुद का कलर ऐड करना चाहते हो आप किसी भी जगह पे क्लिक करो और वहां पे जाके आप इसका कलर चेंज कर दो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ पे नया ऐड करना यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने कोई इसमें नया कलर दे दिया यहाँ पे हमें नया कलर देना है यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने इसमें कोई एक नया कलर दे दिया ऐसे यहाँ पर क्लिक किया यहाँ पे हमें कोई नया कलर देना है तो यहाँ पर हमने इसमें जैसे कोई ग्रीन शेड दे दिया अब आपने देखा हमने इसको अपने तरीके से कैसे ग्रेडियंट में से हमने बना लिया जब आप इसमें ग्रेडियंट फिल करते हो तो और ऑप्शन आएंगे कि जैसे इसका ग्रेडियंट का जो टाइप है वो लीनियर होना चाहिए रेडियल होना चाहिए या फिर रेक्टेंगुलर होना चाहिए आप देखो कि अलग अलग डिजाइन चेंज हो गया चाहिए तो सब में देखिए अलग अलग कलर के आपके डिजाइन आ रहे हैं स्टाइल आ रहे हैं वो आप यहाँ से ले सकते हो ठीक है उसके बाद आप इसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो कि ये कलर इसके अंदर कैसे फिल हो ऐसे फिल हो या फिर इस तरीके से कलर आए या फिर इस तरीके से आए या इस तरीके से आए इस तरीके से आए या फिर आपके इस तरीके से आए तो जो भी कलर का स्टाइल आपको पसंद है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं अगर आपको ये कलर नहीं पसंद है तो आप यहाँ से प्रेसेट भी कोई फिल कर सकते हो प्रेसट ग्रेडियंट्स में जाके कि किसी पे आप क्लिक कर सकते हो अदरवाइज आपने यही रहने दें तो इस तरीके से आप इसमें फिल कर सकते हैं और आगे देख लेते हैं इसी में ही अगला ऑप्शन आता है टेक्सचर फिल करने का आप इसके अंदर कोई टेक्सचर वगैरह भी ऐसा फिल कर सकते हो अगर आपको पसंद आता है जैसे इसके अंदर मुझे फिल करना है इसको हमने सेलेक्ट किया सॉलिड फिल पे गए हमने इसे यहाँ से कोई टेक्सचर फिल कर दिया अगर आपको ये ना पसंद आए तो जब आप ग्रेडियंट पर गए थे तो ग्रेडिएंट के तो मोर तो ग्रेडियंट में आपको यहाँ से पैटर्न फिल करने का भी ऑप्शन मिलेगा था मिला था आप यहाँ से पैटर्न भी फिल कर सकते हो पैटर्न में आप अपने कलर बना लीजिए कि हमें एक कलर चाहिए ब्लैक और दूसरा कलर चाहिए व्हाइट अब आप यहाँ से कोई भी पैटर्न एक पिक कर सकते हैं ठीक है फिर उसके बाद में आप यहाँ से शेप की आउटलाइन वगैरह चेंज कर सकते हो उसके आउटलाइन का कलर कैसा होना चाहिए इसके बाद में आप आउटलाइन का वेट वगैरह बढ़ा सकते हो जो भी आपकी शेप में आउटलाइन है ठीक है और इसके साथ ही साथ आप यहां से आउटलाइन का वेट बढ़ाने के बाद आप आउटलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ से कोई ऐसा कलर कर दिया आपको दिखाने के लिए ठीक है उसके बाद आउटलाइन को आप डैशिज भी बना सकते हो जैसा भी आप बनाना चाहो और साथ ही साथ आप यहाँ से इसमें एरो वगैरह भी दे सकते हो अगर आप देना चाहो तो इसके बाद आप शेप में इफेक्ट जैसे प्रेसेट जैसे चीजें जो अभी मैंने आपको बताई हैं आप जहाँ पे ऐसे प्रेसेट लगा सकते हैं तो वही सारी चीजें देखिए रिपीट हो वो क्या आ रही है वही प्रसेट वही शेडो ऐसे वही रिप्लेक्श रिफ्लेक्शन ग्लो जो भी चीजें आपको देंगी वो उसी तरीके से आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा इसके बाद शेप के अंदर जो कंटेंट है वो कैसा लिख के आए उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं और आपको ये कंटेंट अगर नहीं पसंद आ रहा है ऐसे उस डिजाइन पे तो आप इसको यहाँ से अपने तरीके से भी आप इसमें कलर वगैरह फिल कर सकते हैं आपको ये नहीं पसंद आया मोर फिल कलर पे जाइए और आप इसमें मोर फिल कलर भी बना सकते हैं अपना कस्टम या स्टैंडर्ड जो भी आपको पसंद है वो आप कलर यहाँ पे फिल कर सकते हैं आप इसमें वगैरह भी फिल कर सकते हैं टेक्स्ट में टेक्सचर भी फिल कर सकते हैं और आप टेक्स्ट में पिक्चर भी डाल सकते हैं ऐसे आप टेक्स्ट के आउटलाइन का भी आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं कि आउटलाइन कैसे आनी चाहिए आउटलाइन का वेट कितना होना चाहिए आउटलाइन कैसी डैशेज डॉटेड जैसी होनी चाहिए वो सब आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं और आप टेक्स में भी शेडो वगैरह जो भी देना चाहें शेडो आप दे सकते हैं में 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 आप 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 रिफ्लेक्शन भी दे सकते हैं अगर आप देना चाहें ऐसे ही आप टेक्स में ग्लो दे सकते हैं और आप देखेंगे बेवल दे सकते हैं आप टेक्स्ट में आप थ्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं और आप एबीसी ट्रांसफॉर्म इसमें लगा सकते हैं ताकि आपका टेक्स कुछ इस तरीके से ऐसा स्टाइलिश दिखने लगे वैसे आप इस टेक्स को कर सकते हो इसके बाद जब दो शेप हों तो आप उनको आगे पीछे ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड टू बैक भी कर सकते हो तो शेप आपका पीछे चले जाएगा आगे आ जाएगा सिलेक्शन पेन से आप इनको हाइड और शो करा सकते हो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि सिलेक्शन पेन से शो so हाइड करा सकते हैं ऑरेंज पे जाके वापस सिलेक्शन पेन लेके उसी स्लाइड पर आके हम इनको शो भी करा सकते हैं ठीक है फिर उसके बाद ऐसे ही इसमें और ऑप्शन आता है अलाइन का ग्रुप का रोटेट का यही सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई थी और इसके बाद इसकी हाइट में मैंने जैसे आपको बताया है कि शेप में क्या होता है कि हाइट में हाइट ही बढ़ती है और विट में सिर्फ विथ ही बढ़ती है पिक्चर की तरह इसका सिस्टम नहीं होता है तो देखिए शेप पे प्रॉपर आपका हाइट विट बढ़ करता है ऐसे ही ये सारे ऑप्शन है रोटेट वगैरह करना जो हमने अभी आपको बताया है तो ये सारे ऑप्शन आप इस तरीके से अपने यूज कर लीजिएगा तो ये तो था हमारा शेप ऑप्शन तो चलिए देखते हैं इंसर्ट टाइप में अगला ऑप्शन तो अगला ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट का तो आप देख रहे हैं कि इंसर्ट टाइप में सारी चीजें कितनी टाइम टेकिंग है तो वीडियो इसीलिए तो हमारा लंबा जाएगा ही जाएगा अगला ऑप्शन आता है यहाँ से स्मार्ट आर्ट का यहाँ से आप स्मार्ट आर्ट इसमें कोई लगा सकते हो जैसे मान लिया हमने ये अपनी एक नई स्लाइड ले ली है यहाँ से और यहाँ से न्यू स्लाइड में हम ले लेंगे एक ब्लैक स्लाइड अब आपको बताएंगे स्मार्ट आर्ट जैसे अभी हमें शेप से सारी डिजाइन बनानी पड़ रही तो स्मार्ट आर्ट में आपको बनी बनाई डिजाइन मिलती है आप यहाँ से कोई भी एक डिजाइन ले लीजिए आपको यहाँ से कई सारे डिजाइन मिलते हैं लिस्ट के भी मिलेंगे प्रोसेस के भी मिलेंगे साइकिल के भी मिलेंगे ऐसे पिरामिड पिक्चर फॉर्मेट पे भी मिलेंगे आप पिक्चर वाली भी ले सकते हो जो भी आपको लेनी हो आप उस पर क्लिक करो आप इसको यहाँ ओके कर दो पिक्चर वाली लेने में ये फायदा है कि आपको इन पिक्चर पर क्लिक करके आप इसमें हमने यहाँ से ये पिक्चर दे दी देख रहे हैं आप सब पे अलग अलग पिक्चर दे सकते हैं इसमें फायदा क्या है आप इसमें अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कंटेंट लिख सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मॉनिटर सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा मॉनिटर ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंटर साथ ही साथ देखेंगे आप इसमें भी ऐसे लिख सकते इसमें भी लिख सकते हो जब आप स्मार्ट आर्ट लोगे तो फिर दो टैब आएंगे एक डिजाइन का एक फॉर्मेट का ठीक है तो स्मार्ट आर्ट पे हमने क्लिक किया और देख लेते हैं सबसे पहला ऑप्शन हमारा डिजाइन ऑप्शन यहाँ से आप इसमें एक नया शेप ऐड कर सकते हो जैसे तीन है आप चार कर सकते हो उसके बाद अगर किसी के अंदर बुलेट नहीं आ रहे हैं तो आप उसके अंदर बुलेट यहाँ से एड कर सकते हो लिस्ट वाले बुलेट टेक्स पेन आप अलग से ले सकते हो ताकि आपको लिखने में आसानी रहे तो आप देखोगे आप जिसकी भी टेक्स पेन लेते हो जैसे इसकी चाहिए तो इस पे क्लिक करो तो देखो इसकी टेक्स पेन आपके पास आ जाएगी जो भी आप लिखोगे उसमें लिखेगा ठीक है इसके बाद अगला ऑप्शन आता है प्रमोट डिमोट का यहाँ से आप इनके शेप्स को प्रमोट और डिमोट कर सकते हो ठीक इस तरीके से फिर आप इनको राइट टू लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हो जैसे ये वाला आपको इधर चाहिए ये वाला इधर चाहिए तो आप इनको राइट टू लेफ्ट ऐसे तो आप मूव करा सकते हैं ऐसे ही अगर कोई आपके इस तरीके से होंगे तो आप इनको मूव अप मूव डाउन भी करा सकते हैं और आप यहाँ से इनका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं आप देखेंगे आप कोई भी स्टाइल यहाँ से ले सकते हैं उसके अंदर के आप कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं यहाँ से या फिर आप यहाँ से इसमें कोई और स्टाइल भी ऐसे लगा सकते हैं ठीक है ग्राफिक्स को आप रिसेट करेंगे तो सारी ग्राफिक रिसेट होगी जैसी आपकी जैसी पहले थी वैसी हो जाएगी और उसके बाद आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट में या फिर शेप्स में ठीक है आपका शेप्स में कन्वर्ट हो गया है ऐसे ही इसमें फॉर्मेट पर आएंगे तो आप देखोगे सारे वही सारे ऑप्शन है आप यहाँ से सबके अंदर अलग, अलग अलग कलर आपको फिल करना है तो आप अलग अलग शेप इंसर्ट करो आप उसके अंदर अलग अलग, अलग, अलग यहाँ से कलर फिल कर दो इस पे क्लिक किया और यहाँ से हमने अलग कलर फिल कर दिया सब पे एक साथ देना है तो आप सबके एक साथ यहाँ से फिल कर सकते हो ठीक है अगर आप पूरे पीछे से वॉल सेलेक्ट करोगे तो पीछे की वॉल का कलर चेंज होगा और अगर आपको शेप पे अलग अलग करना है तो आप शेप को सिलेक्ट करिए और आप यहाँ से कलर इनमें कोई भी चेंज कर दीजिए अपनी मर्जी से आपको कलर फिल करना है तो आप शेप फिल पर आइए और आप यहां से कोई अपनी मर्जी से कलर पिक्चर ग्रेडियंट जो भी आपको फिल करना वो आप कर सकते हैं जैसे हमने सब में किया हुआ है ऐसे आप शेप को चेंज कर सकते हैं अगर आपको चेंज का स्टाइल शेप का स्टाइल ना पसंद है आप चेंज कर दो लार्जर और स्मॉलर कर सकते हो शेप को आप यहाँ से ठीक है इसके बाद आप शेप की आउटलाइन यहाँ से चेंज कर सकते हो ये सारे ऑप्शन वही हैं जो अभी हमने शेप में यूज किए थे प्रिसेट शेडो वगैरह और इसके अंदर जो कंटेंट है वो कैसे लिख के आना चाहिए वो सारी चीजें टेक्स्ट फिल का आप कलर अपने आप से चेंज कर सकते हो यहाँ से तो देख रहे हैं सारे ऑप्शन वही हैवर्ड सेंड टू बैक ग्रुप अनग्रुप सारे वही ऑप्शन ठीक है

जनवरी में मैंने कितने वीडियो रिकॉर्ड किए फरवरी में मैंने कितने रिकॉर्ड किए मार्च में कितने रिकॉर्ड किया और अगर ऐसा मुझे पूरे साल की ग्रोथ दिखानी है तो उसको चार्ट के बेसिस पे दिखा सकते हूं, तो लोगों को समझने में बहुत आसानी रहती है इससे वैसे आप किसी भी अपनी कंपनी बिजनेस की ग्रोथ आप चार्ट से दिखा सकते हैं देखिए चार्ट के लिए क्या करेंगे एक बैंक ले लेंगे अपनी स्लाइड ताकि आपको आसानी से समझ में आए और फिर हम चार्ट पर क्लिक करेंगे चार्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से कई तरीके के चार्ट मिलेंगे जैसे कॉलम चार्ट लाइन पाई बार एरिया हर एक चार्ट का अपना अपना मतलब होता है और हर एक चार्ट अलग अलग जगह पे यूज किया जाता है आपको मेरा चार्ट का एक इंडिविजुअल वीडियो भी मिलेगा जो कि मैंने वर्ड पे चार्ट बनाना बताया है और जैसा मैंने एम एस वर्ल्ड पे बताया है सेम टू सेम एक एक ऑप्शन और एक एक स्टेप आपको यूज करके पावर पॉइंट पे भी आप बना सकते हैं तो आप वर्ड वाला चार्ट का ट्यूटोरियल जरूर देख लीजिएगा इंडिविजुअल अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है तो यहां से हम कॉलम या लाइन या किसी भी चार्ट पर क्लिक करेंगे लाइन का जैसे आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट वगैरह इसमें दिखाते हैं ऐसे पाई चार्ट होता है जिसमें पॉपुलेशन वगैरह दिखाते हैं तो जैसे मैंने लिया यहाँ से कॉलम चार्ट कॉलम चार्ट के कई सारे टैंपलेट होते हैं कोई भी इनका एक टैंपलेट आप यूज कर सकते हो आप चाहो तो आप इन्हें बाद में भी चेंज कर सकते हो इसके बाद हम इसे ओके करेंगे तो आप देखोगे की यहाँ पे चार्ट हमारा इंसर्ट हो जाएगा चार्ट इंसर्ट होने के साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक एक्सल की टेबल भी मिल जाएगी ठीक है जिसमें आपको यहाँ से सीरीज कैटेगरी और ये सारे ऑप्शन मिलेंगे साथ ही साथ आपको चार्ट के साथ एक डिजाइन और एक फॉर्मेट मेन्यू भी मिल जाएगा जैसा सब में मिलता है ठीक है अगर आपको अब आपको क्या करना है कि जो भी अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि चार्ट में कैसा डेटा आ रहा है कैटेगरी वन कैटेगरी टू कैटेगरी थ्री कैटेगरी फोर जैसा यहाँ पे एक्सेल के शीट में जैसा डेटा एंटर है वैसा यहाँ पे मिल रहा है आपको वही सीरीज वन सीरीज टू सीरीज थ्री दिख रहा है जैसे मान लिया मुझे दिखाना है कि मैंने टोटल जनवरी फरवरी और मार्च में मिला के मैंने फॉर एग्जाम्पल कितनी वीडियोज रिकॉर्ड की तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि जैसे जैन उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा फेब उसके बाद ऐसा मैंने अगले सीरीज में दे दिया है मार्च और अगर और भी है तो हम यहाँ से और भी दे सकते हैं जैसे कि अप्रैल मैंने दे दिया ठीक है जैसे अप्रैल दिया तो आपने देखा कि यहाँ पे देखिए इतना अपडेट हो गया जैन फेब मार्च अप्रैल इसके बाद मैंने यहाँ पे दिया कि मैंने टोटल ट्रिपल सी की कितनी वीडियो रिकॉर्ड की ऐसे ही एमएस ऑफिस की मैंने कितनी वीडियो रिकॉर्ड की ऐसे ही मैंने टैली आर पी नाइन की मैंने कितनी रिकॉर्ड की और ऐसे ही मैंने यहाँ पे दे दिया कि मैंने टोटल फंडामेंटल की वीडियो कितनी रिकॉर्ड की इस तरीके से या फिर हम ये भी दे सकते हैं कि मैंने टोटल यहाँ पे कितने शॉर्ट्स बनाए हैं तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट्स दे दिया उससे आप किसी भी चीज की ग्रोथ को दिखा सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे अपना डेटा रैंडमली कुछ भी आप फिल कर दीजिएगा तो आप देखोगे जैसे जैसे हम डेटा फिल कर रहे हैं आप देख रहे हो नीचे बराबर चार्ट हमारा उसी तरीके से आपका फॉर्मेट होता चला जा रहा है मैंने यहाँ पे दे दिया वन वन फाइव ऐसे मैंने यहाँ पे दिया ट्वेंटी और शॉर्ट्स में मैंने सब में थोड़ा सा अच्छा डेटा दे दिया है क्योंकि शॉर्ट्स हमारे बने होंगे ज्यादा तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे देख रहे हैं अपने डेटा अलग अलग फिल किया है किसी में मैंने पांच ही वीडियो रिकॉर्ड किए उससे मैंने रैंडमली डेटा दे दिया अब आप देखोगे कि यहाँ पे हमारा चार्ट बनके तैयार है और चार्ट में देखिए लिख के आ रहा है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये दिखा रहा है ब्लू कलर जनवरी के लिए है ऑरेंज कलर फेब के लिए है ग्रे कलर मार्च के लिए है येलो कलर अप्रैल के लिए मगर आपसे अगर आपको अगर किसी को अगर देखना हो कि आपने जनवरी में सबसे ज्यादा किस चीज की वीडियोस बनाई हैं या फिर आपने ट्रिपल सी की वीडियो किस मंथ में सबसे ज्यादा बनाई है तो आप देख सकते हो कि ये येलो शेड मतलब फेब में आपने सबसे ज्यादा मतलब ट्रिपल सी की वीडियो बनाई है ऐसे ही अगर आपको देखना हो कि एमएस ऑफिस की आपने वीडियो किस मंथ में सबसे ज्यादा बनाई है तो आपने बनाई है मार्च में क्योंकि मार्च का सबसे बड़ा है यहाँ पे ठीक है ऐसे ही अगर आपको टेलीआरपी नाइन टेली आरपी नाइन की फिलहाल टोटल वीडियो बहुत कम बनी हुई है जैसे इन लोगों के कंपेरिजन में तो टेली आरपी नाइन की सबसे कम वीडियो बनी है फेब में उसके तो बाद बनी है इसमें आपकी जन में और उसके बाद बनी है ये इसमें आ, मार्च में अप्रैल का डेटा इसमें है ही नहीं ठीक है शायद मैंने अप्रैल का डेटा इसमें फिल नहीं किया जैसे जैसे आप इन पे पॉइंट करोगे तो आपकी वैल्यू भी साथ में लिखते चली जाएगी ऐसे शॉर्ट्स का डेटा है कि शॉर्ट्स हमने सबसे ज्यादा जनवरी में बनाया डेटा देने के बाद में आपको पर क्लिक करना आप देखोगे यहां से डिजाइन और फॉर्मेट दो ऑप्शन आ रहे हैं पहले डिजाइन देख लेते हैं डिजाइन में सबसे पहला क्या है एड चार्ट एलिमेंट आप यहाँ पे चार्ट पे और भी एलिमेंट दे सकते हो जैसे कि मान लिया अभी यहाँ पे आ रहा है चार्ट टाइटल और मैंने यहां पे जैसे लिख दिया कि हमें आ रहा है ये वीडियो रिकॉर्डिंग डेटा ठीक है ऐसे अगर आप चाहते हो और आपको एलिमेंट चाहिए चार्ट में तो आप ले सकते हो जैसे कि एक्सेस एक्सेस प्राइम आपका प्राइमरी ऑरिजेंटल आ रहा है और एक्सेस वर्टिकल आ रहा है अगर इसे आप हटा देते हो प्राइमरी ओरिजेंटल आप देखोगे ऑरिजेंटल एक्सेस हमारा हट चुका है आप इसे करोगे तो आपका इस तरीके से एक्सेस आए ऐसे आपको वर्टिकली एक्सेस भी है ठीक है उसके बाद चलिए देखते हैं अब हम अगला ऑप्शन अगला ऑप्शन है एक्सेस टाइटल क्या आपको और भी टाइटल चाहिए आप देखोगे जैसे एक्सेस टाइटल पर आप क्लिक करते हो तो देखोगे आपको यहाँ पे एक देखिए एक्सेस टाइटल का ऑप्शन मिल रहा है

आप चाहते हो सेंटर में आए आप चाहते हो नहीं आए तो हटा सकते हो डेटा लेवल आप इसमें ऐड कर सकते हो आप डेटा लेवल पर जाओगे तो आप देखोगे कि डेटा लेवल आप अगर दे रहे हो तो हर एक चार्ट के ऊपर हर एक उसके कॉलम के ऊपर आप देखोगे कि उसका डेटा जो है एक्चुअल वो लिख के आ रहा है कहाँ पे लिख के आना चाहिए सेंटर में इन एंड में या फिर इन बेस पे आउटसाइड एंड पे या डेटा कॉल आउट पे आप किस तरीके से लिखना चाहते हो वो आप यहाँ पे दे दो तो आपका डेटा भी सामने दिखेगा जो आपने एंटर किया है इसके बाद डेटा टेबल आता है डेटा टेबल भी आप ले सकते हो विद लेजेंड की नो लेजेंड की लेजेंड की अगर आपको लेना है तो आप देखोगे आपको लेजेंड की भी मिल जाएंगी तो आपको इधर भी जनवरी फरवरी दिखेगा और विद नो लेजेंड की आपको नहीं दिखेगा तो आप इस तरीके से लोगे तो आप देखोगे कि इधर भी आपको डेटा लिखा हुआ मिल रहा है तो आप डेटा टेबल या डेटा लेवल में से किसी भी आप एक का यूज कर सकते हैं ताकि आपका डेटा बराबर दिखता रहे फिर एरर बार है आप एरर बार देख सकते हो यहाँ पे उसे आप ग्रिड लाइंस ले सकते हो अपने चार्ट में देखोगे और आपको इसमें लेजेंड आप इस तरीके से दे सकते हो तो ये तो हो गई चार्ट की बात अब आगे आते हैं क्विक लेआउट पर यहाँ से आप चार्ट का लेआउट चेंज कर सकते हो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि चार्ट का लेआउट आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं नहीं चेंज करना है आप चार्ट के कलर अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप चार्ट के यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं आप देखेंगे आपको तो बहुत सारे यहां से कलर के ऑप्शन मिल जाएंगे जहां से आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं उसके बाद आप यहाँ से चार्ट में स्टाइल भी लगा सकते हो कोई भी जो भी आपको पसंद आए उस तरीके से आप इसमें कोई भी एक स्टाइल ले सकते हो जैसे आपको पसंद आ जाती है इसके बाद आती है स्विच रो और कॉलम डेटा अगर आपने जो डेटा अपना बना रखा है अगर आपको वो स्विच करना है रो और कॉलम में तो आप उस डेटा को अपना कैसे स्विच कर सकते हैं इसके लिए रो और कॉलम डेटा आता है उसके बाद अगला ऑप्शन आता है सेलेक्ट डेटा आप अगर इस डेटा को सेलेक्ट करना चाहते हो डेटा सेलेक्ट करने का मतलब ये होता है कि अगर आपने और डेटा बढ़ाया है आगे और वो आपको अगर देना है तो आप दे सकते हो जैसे कि मान लिया मैंने अप्रैल का डेटा यहाँ पे दिया ही नहीं तो हम वो फिल कर सकते हैं और आप यहाँ पे साथ में ये भी दे सकते हो इसका डेटा का आप रेंज चेंज कर सकते हो कि जैसे मैंने कहा मुझे अप्रैल चाहिए नहीं तो इसको मैंने डेटा की रेंज हटा दी और मैंने यहाँ से दोबारा से डेटा की रेंज दे दी सिर्फ मार्च तक ही इस तरीके से आप इसकी रेंज को दोबारा सेलेक्ट कर सकते हैं तो आपको जनवरी फरवरी मार्च एंड में से कोई भी डेटा नहीं देखना है तो आप उस उसपे अंतरिंग ही कर सकते हैं ठीक है उसके बाद आप इसे ओके कर सकते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ से हमारा मार्च का जो डेट था देखिए जो अप्रैल का कॉलम था वो हट चुका है वैसे आप डेटा को एडिट कर सकते हैं एडिट डेटा भी आप क्लिक करेंगे तो आपको अगर कोई भी डेटा को एडिट करना है तो आप यहाँ से उसको एडिट कर सकते हैं जैसे मान लिया हमने यहाँ पे ट्वेंटी फाइव कर दिया ऐसे मैंने जहाँ पे फाइव था मैंने वहां पे वन हंड्रेड कर दिया आप देखोगे कि जैसे वन हंड्रेड किया तो टैली वाला जो है हमारा ये कितना कॉलम ऊंचा चला गया है ऐसे ये टैली का ट्वेंटी है आप देखोगे ये जो ट्वेंटी है उसको मैंने टू फिफ्टी किया तो आप देखोगे ये कितना ऊपर चला गया इस तरीके से आप डेटा को एडिट कर सकते हैं फिर आपका अगला ऑप्शन आता है डेटा को रिफ्रेश करने का उधर अगर आप चेंजेस कर रहे हो वो इधर अगर नहीं अपडेट हो रहे हैं तो आप रिफ्रेश कर सकते हो और आप चार्ट टाइप को चेंज कर सकते हो जैसे कॉलम नहीं चाहिए तो आप बार ले लो लाइन ले लो आप देखो कि लाइन चार्ट लेंगे तो इस तरीके से आपका दिखेगा तो आप ऐसे इसको चेंज कर सकते हो ऑप्शन आता है फॉर्मेट का तो देखिए फॉर्मेट में वही सारे ऑप्शन है जो हमने पहले यूज किए हैं आप चार्ट एरिया यहाँ से ले सकते हो चार्ट एरिया चार्ट टाइटल टे, टे डेटा टेबल फॉर्मेट सिलेक्शन कर सकते हो बस जो आपने सेलेक्ट कर रखा है बैकग्राउंड इसको आप फॉर्मेट कर सकते हो यहाँ से कलर वगैरह आप इसमें फिल कर सकते हो ग्रेडियंट फिल कर सकते हो ये ऑप्शन आपको आगे भी मिल जाएंगे वैसे आप इसके अंदर कोई शेप इंसर्ट कर सकते हैं आप इस शेप को अगर आपने कोई ले रखा है तो आप उस शेप को चेंज भी कर सकते हैं जैसे अगर आपको कहीं पे भी शेप चाहिए आपने शेप इंसर्ट कर दिया फिर आप शेप इंसर्ट करेंगे तो शेप के यहाँ पे सारे ऑप्शन आ जाएंगे तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं उसके बाद अगला ऑप्शन इसमें आता है कि इसके अंदर आप कलर वगैरह फिल कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से जैसा भी आपको कलर पसंद आए आप कोई भी कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं ये प्री प्रीडिफाइन कलर है सारे इनको आप चूज कर सकते हैं इसका कलर चेंज करना है तो आप बाहर वाले को सिलेक्ट करो आप उसका भी कलर चेंज कर दो बाहर वाले का कलर आप अलग से चेंज कर सकते हो अंदर वाले का अलग से चेंज कर सकते हो उसके बाद अगर आपको ये नहीं पसंद है तो आप अपनी मर्जी से कलर फिल कर लो आप इसके अंदर मोर फिल कलर ले लो आप इसके अंदर ग्रेडियंट फिल कर दो टेक्सचर फिल कर दो जैसा आपको पसंद है वो आप इसमें ले सकते हैं सेम वही चीजें जो भी हमने आपको इमेज में बताई है वही सारी चीजें इसमें आपके रिपीट होती रहती है ठीक है ऐसे ही आज के अंदर जो कंटेंट लिख के आ रहा है वो कंटेंट कैसा आना चाहिए आप उसको स्टाइल कर सकते हो कंटेंट का आप यहाँ से भी कलर चेंज कर सकते हो कि किस कलर का आपका कंटेंट आना चाहिए और उसकी आउटलाइन कैसी होनी चाहिए या नो no आउटलाइन भी आप कर सकते हो टेक्स में आप इफेक्ट दे सकते हो ग्लो वगैरह देख रहे हो आप उसमें ग्लो लग जाएगा तो यही सारी चीजें होती है इसमें और वही आपका सारी चीजें शेडो और सिलेक्शन पेंट अलाइन और सारी चीजें तो गाइज ये था हमारा चार्ट ऑप्शन और चार्ट को डिलीट करने के लिए चार्ट को आप सेलेक्ट करिए और आप डिलीट की प्रेस कर दीजिए ठीक है अब हम देखते हैं अपना अगला ऑप्शन अगला ऑप्शन इसमें है स्टोर इस का यहां से आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के स्टोर से कोई भी ऐप वगैरह को इंस्टॉल कर सकते हैं उसके लिए आपका माइक्रोसॉफ्ट पर अपना अकाउंट क्रिएट होना चाहिए आप एप्स को ऑफिस पर क्लिक करिए फिर आपको जो भी ऐप चाहिए हो वो आप यहाँ से ले सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी ऐप्स हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे आपको देखिए यहाँ पे कैटेगरी मिल जाएगी आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं

एड हो जाएगा बस तो यही इस तरीके से आप इसमें कोई भी उसको आप ऐड कर सकते हैं उसके बाद जो आपने ऐड किए होंगे वो आपको मिलेंगे माई एप से तो आपको यहां से सारे दिख सकते हैं उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हाइपर लिंक का यहाँ से आप हाइपर लिंक इंसर्ट कर सकते हैं तो मैं आपको बता दूं हाइपर लिंक का काम क्या होता है हाइपर लिंक से आप किसी भी अपनी फाइल को किसी दूसरे डॉक्यूमेंट से ऐड कर सकते हो मतलब ये है कि एक हमारी फाइल ये बनी हुई है और हम चाहते हैं इस फाइल से हम अपनी किसी दूसरी फाइल को लिंक करें तो इसके लिए यूज किया जाता है मान लिया ये हमारी एक इंसर्ट के नाम से फाइल है और इसमें हम एक्सेल या Word या वर्ड किसी दूसरी फाइल को इससे लिंक करना चाहते हैं ताकि कोई भी पर्सन इस पे क्लिक करके हमारी दूसरी फाइल पे पहुंच सके इसके लिए होता है हाइपर लिंक हाइपर लिंक का शॉर्टकट कंट्रोल प्रेस के होता है कंट्रोल के प्रेस करके या हाइपर लिंक पर क्लिक करके आप आ जाएंगे हाइपर लिंक पर सबसे पहले आपको यहाँ पे देना है कि आपको क्या लिंक करना है एग्जिस्टिंग फाइल जो बनी हुई है फाइल उनमें से कोई और या फिर कोई वेब पेज या फिर इसी डॉक्यूमेंट में से कोई ऐसा प्लेस है स्लाइड वन टू थ्री उसको आप लिंक करना चाहते हो तो जैसे मैंने कहा कि इसमें जो हमारी स्लाइड नंबर फाइव है उसको हम लिंक करके लाना चाहते हैं स्लाइड वन पे तो हमने क्लिक किया और इसको हमने यहाँ से रूप कर दिया जब यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है स्लाइड फाइव जैसे आप इस पे जाओगे तो आप क्या कर तो आप हमेशा जब भी इस पे कंट्रोल दबाओगे और आप इस पे क्लिक करोगे तो आप इस पे पहुंच सकते हो अपने स्लाइड फाइव पर यह काम होता है हाइपरलिंक का या फिर मैं आपको और बता दू हाइपर लिंक पर क्लिक किया और तो कोई नया डॉक्यूमेंट करके भी आप उसका बना सके भी आप उसका दे, लिंक दे सकते हो ईमेल एड्रेस का भी दे सकते हो या फिर जो एग्जिस्टिंग फाइल है उनका दे सकते हो फाइल आपके किसी की भी हो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट पीडीएफ कुछ भी आप दे सकते हो जैसे मेरी एक्सेल क्लास फर्स्ट है उसको मुझे इधर लिंक करना है तो लिंक कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारी फाइल है और ऊपर देखिए क्या दिखा रहा है टेक्स्ट टू डिस्प्ले मतलब जैसे अब हमने स्लाइड फाइव थी तो देखिए वहां पे लिखे आया था स्लाइड फाइव अगर आप चाहते हो कि वहां पे सिर्फ ये लिख के आए एक्सेल क्लास पोस्ट तो ठीक है अगर आप चाहते हो कि वहां पे कुछ ऐसा लिख के आए क्लिक हेयर फॉर माय एक्सेल फाइल तो आप वो कंटेंट यहाँ पे दे दीजिए जो कंटेंट आप यहाँ पर देंगे वही कंटेंट आप तो जैसे मैंने क्लिक हियर फॉर माय एक्सेल फाइल क्या होगा कि जब आपकी ये फाइल इधर इंसर्ट होगी तो उसके ऊपर ये कंटेंट लिख के आएगा उस पर आप क्लिक करके उस फाइल पर पहुंच सकते हैं इसके बाद आपको ओके करना है और आप देखेंगे कि आपका इसमें जो है वो इंसर्ट हो चुका है तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हाइपर लिंक होते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ये आपके तभी रन होते हैं जब आप प्रेजेंटेशन को रन करेंगे जब तक आप स्लाइड शो नहीं करेंगे तब तक ये नहीं आपके रन होंगे जैसे देखिए मैंने इसमें दिया है एक्सेल फाइल का लिंक और पेज नंबर टू पर आ जाते हैं टू में हम दे देंगे स्लाइड फाइव का लिंक इसके लिए फिर हाइपर लिंक पर क्लिक करेंगे और प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और स्लाइड फाइव का हम यहाँ पे लिंक दे देंगे अब देख रहे हैं जब तक हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं आ रहा है इस पे भी क्लिक कर रहे हैं तब भी कुछ नहीं आ रहा है हाइपर लिंक के लिए जब देखना हम इसको रन करते हैं फाइव से अब देखिये जैसे ही आप इस पे आएंगे तो क्या लिख के आ रहा है सी यूजर्स और डेस्कटॉप एक्सेल फाइल जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं ना आप सीधे उसी एक्सेल फाइल पर पहुंच जाएंगे उस तरीके से आप अपनी किसी भी फाइल को अपनी प्रेजेंटेशन से लिंक कर सकते हैं और आपको दिखा देते हैं साथ ही साथ इसमें दिया था हम मान लिया हमने जब रन किया है अब हम आते दूसरे पेज पर और हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखना अभी हम डायरेक्ट स्लाइड फाइव पर पहुंच जाएंगे ठीक है ये काम होता है हाइपर लिंक का आप सेम फाइल में भी किसी भी स्लाइड को लिंक कर सकते हो और आप चाहें तो आप किसी बाहर के फाइल को भी इससे लिंक कर सकते हो ऐसे आप ईमेल एड्रेस को भी इससे लिंक कर सकते हो ठीक है उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा अगला ऑप्शन आता है एक्शन का तो देख रहे हैं सबसे पहले यहाँ पे एक, एक एक्शन ऑप्शन दिया गया है जो कि अभी इनेबल नहीं है पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एक्शन का मतलब क्या होता है देखिए एक्शन का मतलब है किसी चीज पे एक्शन ले रहा जैसे जब हमारी एक स्लाइड स्लाइड्स चल रही है तब अगर हम चाहते हैं कि, कि किसी प्रीवियस स्लाइड पर पहुंचे लास्ट स्लाइड पर पहुंचे या फिर किसी पे भी क्लिक करके हमें हमारा कोई दूसरा एक्शन ओपन हो जाए कुछ एक्शन ले सके तो ये सारे ऑप्शन आपको एक्शन मेन्यू में मिलते हैं मैं आपको बताती हूँ इसको यूज कैसे करना है तो सबसे पहले इसको यूज करने के लिए आपको पहले शेप्स पर क्लिक करना है मैं आपको बता दू स्टार्टिंग से और शेप्स में आप देखेंगे नीचे आपको कुछ एक्शन बटन मिलेंगे ठीक है एक्शन बटन आपको बहुत सारे हैं जैसे कि प्रीवियस स्लाइड पर जाने के लिए नेक्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए फर्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए लास्ट स्लाइड पर जाने के लिए और ऐसे बहुत सारे आपके सामने यहाँ पे एक्शन बटन है वीडियो के लिए साउंड के लिए ऐसे दिए गए मान लिया मैं हूँ अभी स्लाइड थ्री पर और आप देख रहे हैं मरे में स्लाइड सिक्स है मुझे चाहिए कि मैं जब स्लाइड थ्री पर आऊँ तो मुझे यहाँ से प्रीवियस okay. स्लाइड पर जाने के लिए एक बटन मिल जाए या फिर नेक्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए एक बटन मिल जाए या फिर फर्स्ट या फिर लास्ट स्लाइड पर जाने के लिए एक बटन मिल जाए आप चाहो तो हर स्लाइड पर भी आप बटन लगा सकते हो तो इसके लिए मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक प्रीवियस बटन यहाँ पे अपना क्रिएट कर लिया आप देख रहे हो यहाँ पे एक प्रीवियस बटन मैंने ले ली जैसे आप प्रीवियस बटन लोगे आप देखोगे सबसे पहले तुरंत ही आपके सामने ये एक्शन सेटिंग आ जाएगी शेप बनाते ही सेटिंग आपके सामने अपने आप आ जाएगी देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं सबसे पहले आ रहा है माउस क्लिक दूसरा आ रहा है माउस ओवर ये पूछ रहा है कि आप इस बटन पर क्लिक करके तब आप प्रीवियस स्लाइड पर जाना चाहते हो या फिर आप इस बटन के ऊपर सिर्फ माउस लेके जाए और आप प्रीवियस स्लाइड पर पहुंच जाए आप ऐसा चाहते हो माउस क्लिक करने से आपको इस पे क्लिक करके तब आप प्रीवियस स्लाइड पर पहुंचोगे माउस ओवर करने से इस पे आप माउस अगर इसके ऊपर अगर आप सिर्फ पॉइंट करते हो तो ही आप प्रीवियस स्लाइड पर पहुंच जाओगे इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे जैसे आप ये आपके आपका चॉइस है क्या लेना चाहते हो मैं माउस क्लिक यहाँ पे ले रही हूँ उसके बाद एक्शन ऑन क्लिक पे एक नन है नन करोगे तो कोई ऑप्शन आपका एनेबल नहीं होगा हमें लेना है hyperlink. Hyperlink में आप देखोगे यहाँ से आपको बहुत सारे प्रोग्राम मिलेंगे नेक्स्ट स्लाइड 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 प्रीवियस फर्स्ट लास्ट लास्ट एंड शो जैसे कई सारी चीजें अब हमने प्रीवियस स्लाइड का बटन लिया है तो हम यहाँ से प्रीवियस स्लाइड को चूज कर लेंगे इसके बाद हम इसे यहाँ से कर देंगे ओके okay. अब आपका ये जो बटन है इस पे हमने एक्शन ले लिया है ठीक है और बटन देखोगे आप कि जब भी आप शेप पे क्लिक किया करोगे तो एक्शन बटन अपने आप आपका इनेबल हो जाया करेगा क्या होगा कि देखना जब भी हम अपनी स्लाइड शो को रन करते हैं स्लाइड शो रन करने के बाद जब हम तीसरे पे आते हैं जिसपे हमने ये बटन बनाया देखना इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखोगे अभी मेरी थर्ड स्लाइड है उस पर क्लिक करके ही हम सेकेंड स्लाइड पर आ जाते हैं और इस तरीके से वर्क करता है आपका एक्शन बटन और भी इसके कई सारे यूज हैं वो मैं आपको और भी बता देती हूँ जैसे इसी स्लाइड पर मैं आपके और शेप इंसर्ट कर सकती हूँ तो आप इस तरीके से इन शेप को कहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं जहां आप चाहें आप चाहें तो हर स्लाइड पे भी इनको इंसर्ट कर सकते हैं आप इनको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं अगला मैंने लिया है नेक्स्ट लाइट का तो उसको क्रिएट करते ही फिर से एक्शन बटन आ गया और यहाँ से हमें देना है माउस क्लिक में हाइपर लिंक में देना है हमें नेक्स्ट स्लाइड और इसको हमें ओके कर देना है ऐसे ही हम और भी यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं चाहे हम यहीं से शेप्स में जाके इंसर्ट कर लेंगे तो यहाँ से जैसे मैंने ले लिया, लिया फर्स्ट स्लाइड का और यहाँ मैंने क्रिएट कर दिया है फर्स्ट स्लाइड का ठीक है आप चाहो तो ये फर्स्ट स्लाइड वाला आप लास्ट स्लाइड पे भी इंसर्ट कर सकते थे और यहाँ से हम इसको दे देंगे

फर्स्ट स्लाइड पर क्लिक किया तो आप देखोगे फर्स्ट स्लाइड पर आ चुके हैं और ऐसे ही अगर हम लास्ट स्लाइड पर क्लिक करें तो आप देखोगे हम लास्ट स्लाइड पर आ चुके हैं इस तरीके से वर्क करता है आपका ये एक्शन बटन और एक्शन बटन में और भी कई सारे मेन्यूज है हम लोग सब सब एक एक करके अपने कंप्लीट करेंगे ठीक है अब हम आपको बताते हैं कि एक्शन बटन में और कौन कौन से ऑप्शन है एक्शन बटन में देखिए हाइपर लिंक में अभी और भी कई सारी चीजें हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ जैसे यहाँ पर एक दिया गया है अदर फाइल

ठीक है ऐसे ही आप जो भी वीडियो चाहें वो आप यहाँ से ले सकते हैं अगर आपको कोई दूसरी वीडियो चाहिए तो आप दूसरी वीडियो भी चूज कर सकते हैं तो जैसे मैंने यहाँ पर ये वीडियो ले लिया और इसको मैंने यहाँ से ओके कर दिया ओके करने के बाद आप यहाँ से ओके करेंगे और ये सारे बटन आपके तभी वर्क करते हैं जब आप स्लाइड शो करते हैं जब तक आप स्लाइड शो नहीं करेंगे तब तक इन पर क्लिक करने से कुछ भी नहीं होगा तब तक ये सिर्फ एक शेप है अब देखिए हम फिर से स्लाइड शो करेंगे और हम आएंगे अपनी थर्ड स्लाइड पर और यहाँ से इस पर हम क्लिक करेंगे क्योंकि हमने दिया है माउस क्लिक जैसे देखो इस पर जाओगे तो आपको यहाँ से इसकी पूरी लोकेशन मिल रही है इस पर जैसे ही हमने क्लिक किया और ओके किया तो आप देखोगे कि हमारे सामने एक वीडियो आप देख रहे हो क्लिक जो हमारा सबसे पहले चैप्टर थे कुछ सारी चीजें बताई ठीक है अब देख रहे हो कि यहाँ पे हमारी वीडियो रन हो रही है तो इस तरीके से आप कोई वीडियो वगैरह भी यहाँ पे दे सकते हो आपके सिस्टम में जो भी वीडियो हो अब हम देखते हैं एक्शन बटन में अगला ऑप्शन क्या है तो हाइपरलिंक में कई सारी चीजें हम लोगों ने यूज कर ली ऐसे आप लास्ट स्लाइड व्यू इन शो कस्टम शो अगर आपने कोई बना रखे तो आप उसका भी दे सकते हो कोई भी अगर आपने कस्टम शो बना रखा है तो आप उसका भी यहाँ पे दे सकते हैं ठीक है हम तो आपको अगला ऑप्शन बताएंगे रन प्रोग्राम का तो देखते हैं सबसे पहले रन प्रोग्राम कैसे वर्क करता है देखिए रन प्रोग्राम का मतलब होता है कि आप यहीं से किसी प्रोग्राम को रन करा सकते हो जैसे हम पावर पॉइंट में और अगर हमें यहीं से क्रोम ओपन करना है एक्सेल ओपन करना है तो आप उसे भी ओपन कर सकते हो कैसे हम इसे ओपन करेंगे तो जैसे हमारे सिस्टम में क्रोम है और हम चाहते हैं कि यहाँ से हम डायरेक्टली क्रोम को ओपन कर लें तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक क्रोम की पिक्चर तो हम आपके सामने यहां से क्रोम ओपन करते हैं और आपको हम सामने से बताते हैं कि आप कैसे क्रोम को को के सिंबल आप डाउनलोड करेंगे तो जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया है क्रोम लोगो उसके तो बाद मैंने यहाँ से एंटर किया कई सारे क्रोम के लोगो आ रहे हैं आपको किसी भी एक लोगो पर राइट क्लिक करना है और आपको इसको सेव कर लेना है ठीक है तो मैंने इसे यहाँ पर सेव कर दिया है क्रोम के नाम से और यहाँ पे मैंने इसे सेव कर दिया वैसे अगर आप चाहो कि आप पावर पॉइंट में हो और यहाँ से कोई आप दूसरा प्रोग्राम ओपन कर सको हम ऑलरेडी हैं जैसे हम चाहते हैं कि एक्सेल पर हम आ, हम एक्सेल के लोगों पर क्लिक करें डायरेक्ट हमारा एक्सेल ओपन हो जाए तो आप यहाँ से एक्सेल की इमेज को भी सेव कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पे दिया एक्सेल और एंटर कर दिया अब हम वापस आ जाते हैं अपने पावर पॉइंट पर ठीक है अब यहाँ से आपको उस पिक्चर को इंसर्ट करना है पिक्चर इंसर्ट करने के लिए देखिए क्रोम की पिक्चर है हमने इसे इंसर्ट कर लिया उसके सिंबल को हम छोटा कर लेते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं अब हम फिर से जाएंगे इंसर्ट पर और एक्शन पर क्लिक करेंगे और इसे अब हम बताएंगे कि जब भी हम इस सिंबल पर क्लिक करें तो हमारा क्रोम ओपन हो जाए इसके लिए अब आपको आना है रन प्रोग्राम पर हाइपर लिंक हमारा कंप्लीट हो गया अब हम आएंगे रन प्रोग्राम पर और यहाँ से आपको ब्राउज पर क्लिक करके उस आपको जो एप्लीकेशन आप यहां से रन कराना चाहते हो उसको आप यहाँ से उसके आप लोकेशन दोगे तो ब्राउज पर हमने क्लिक किया और हमारा जहां भी क्रोम प्रोग्राम पड़ा होगा उस पर हम क्लिक कर लेंगे जैसे आप देख रहे हो कि डेस्कटॉप के ऊपर ज्यादातर ये क्रोम और ये सारी चीजें हमारे डेस्कटॉप पे अवेलेबल होती है तो जो क्रोम वाली एप्लीकेशन है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको हम ओके कर करेंगे ओके करने के बाद हम इसे यहाँ से ओके कर देंगे अब हम इसको पावर पॉइंट को हम अपनी प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो मोड पर डालेंगे और यहाँ से आ जाएंगे थर्ड स्लाइड और जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि आपको यहाँ से इनेबल पर क्लिक करना होगा और जब आप इनेबल पर क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि आपके सामने यहाँ पे क्रोम ओपन हो रहा है यहाँ से जो भी पर्सन पर आप क्रोम ओपन करना चाहते हो उस पर आप क्लिक करो और क्रोम हमारे सामने ओपन हो जाएगा तो इस तरीके से आप किसी भी एप्लीकेशन को भी यहाँ से रन करा सकते हो और आप कोई भी इस तरीके से बटन दे सकते हो जैसे फर्स्ट स्लाइड लास्ट स्लाइड ऐसी किसी भी चीज तो सेम इसी प्रोसेस से जो हमने एक्सेल का लोगो इंस्टॉल करके रखा है उस पर भी आप ऐसे ही आप रन प्रोग्राम लगा सकते हो एक्शन बटन का यूज करते और अब हम देख लेते हैं कि एक्शन बटन में और कौन कौन से ऑप्शन है तो इसके लिए किसी शेप को इंसर्ट करना पड़ेगा तो आपको यहाँ से सारे ऑप्शन दिखेंगे तो हाइपर हो चुका है रन प्रोग्राम हो चुका है और अगला ऑप्शन है यहाँ से रन मैक्रो का तो रन मैक्रो में आपको नेक्स्ट वीडियो में पहले इसमें मैक्रो क्रिएट करना बताऊंगी फिर मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ से आप मैक्रो को कैसे रन कर सकते हो और तो इसके बाद एक लास्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑब्जेक्ट एक्शन का अब हम देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट एक्शन को कैसे यूज करते हैं तो देखिए ये ऑप्शन बहुत अच्छा है और इसका यूज हम तब कर सकते हैं जब हम पावर पॉइंट से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर जाके कोई काम करें तो इसके लिए हमें यूज करना होगा पहले इंसर्ट टैब में आएंगे और यहां से हम क्लिक करेंगे ऑब्जेक्ट पर तो जैसे यहां से अगर आप चाहते हो पावर पॉइंट से हम एक्सेल पर जाके काम करें या फिर पेंट पर जाकर काम करें या वर्ड पर जाकर काम करें तो जिस भी आप दूसरे ऑब्जेक्ट पर जाकर काम करना चाहते हो उस पर आप क्लिक करो और यहाँ से आप उसको ओके कर लो ओके करने के बाद हम आ चुके हैं एक्सेल पर और यहाँ से जैसे मैंने कोई एक शीट बना दी है कुछ भी मैंने यहाँ पे ऐसा कोई अपना डेटा एंटर किया है डेटा एंटर करने के बाद जब भी आप बाहर क्लिक करते हो तो आपकी वो शीट यहाँ पर आ जाएगी ठीक है तो आप देखोगे कि जो हमने एक्सेल पे काम किया है वो हमारा इधर आ चुका है तो मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं यहाँ पे कोई एक ऐसा बटन लेके आऊ उस बटन पे मैं जब भी क्लिक किया करूँ तो मैं इस शीट पर अपने आप से पहुंच जाऊं ताकि मुझे इस पे डबल क्लिक करके मुझे उस ऑब्जेक्ट पर खुद से ना जाना पड़े और इस पर मैं सिर्फ एक क्लिक करूँ और मैं डायरेक्ट उसी एक्सेल पर दोबारा से पहुंच जाऊँ तो इसी के लिए होता है आपका ये ऑब्जेक्ट एक्शन में तो हम इस पर एक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम आएंगे ऑब्जेक्ट एक्शन पर ऑब्जेक्ट एक्शन पर जब आप क्लिक करते हो तो देखिए आपको यहाँ से दो एक्शन मिलेंगे कैडिट का एक ओपन का अब आपको यहाँ से अपना वो एक्शन चूज करना है कि जब आप इस पर सिंगल क्लिक करते हो तो आप इसको एडिट करना चाहोगे या सिर्फ आप इस शीट को ओपन करना चाहोगे तो जैसे आप ओपन या एडिट यहाँ से जो भी चूज करोगे जैसे मैंने यहाँ से ओपन चूज किया तो जब भी आप इस पर क्लिक किया करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट आपका अपने आप से ओपन हो जाएगा इसको ओके किया और जब हम इस अब स्लाइड शो को रन करेंगे इस पर हम जब भी क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि आपका ऑब्जेक्ट वापस से ओपन हो जाएगा इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्शन दे सकते हो और फिर एक हमारा लास्ट ऑप्शन इसमें जो एक्शन में बचता है वो बचता है प्ले साउंड का तो यहाँ से आप कोई साउंड वगैरह भी अपने प्रेजेंटेशन में डाल सकते हो तो साउंड के लिए आप देखिए से आपको शेप इंसर्ट कर लीजिए साउंड का देखिए आपको एक्शन बटन में यहाँ पे साउंड का कोई शेप मिल जाएगा साउंड अगर आप चाहो तो आप हाइपर लिंक में जो हमने अदर फाइल दिया था वहां से भी आप साउंड दे सकते हो और या फिर आप प्ले साउंड से भी दे सकते हो बस अगर आप यहाँ से अदर फाइल चूज करोगे तो आपके सिस्टम में जो साउंड है आपको वो देना होगा और प्ले साउंड में आपको जो पा, जो आपको पावर पॉइंट की तरफ से जो साउंड मिले हैं आप उन्हें भी चूज कर सकते हो यहाँ पे देखोगे आपको कई सारे यहाँ पे साउंड मिल जाएंगे किसी भी एक साउंड पर आपको क्लिक करना है और आपको ओके okay कर देना है जब भी हम प्रेजेंटेशन को रन करेंगे और इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे अभी एक साउंड प्ले होगा ठीक है इस तरीके से बस यही काम होता है कि आप यहाँ से कोई साउंड वगैरह भी दे सकते हो तो अगला ऑप्शन है यहां से कमेंट का तो यहाँ से आप कमेंट पास कर सकते हो आपको किसी भी चीज पे अगर कोई कमेंट पास करना है तो आप पास कर सकते हो जैसे कि मान लिया मैंने यहां पे इंसर्ट टैब लिखा इंसर्ट टाइप से रिलेटेड मुझे कोई देना है तो हमने इसको सिलेक्ट करके यहाँ कर्सर रखे हमने किया कॉमेंट पर क्लिक वैसे क्लिक किया तो यहाँ पे आप अपना कॉमेंट को दे सकते हो हाई दिस इज एबीसी कुछ भी आप कमेंट पास कर सकते हो कॉमेंट पास कर दिया देखना क्या होगा कि जब भी आप इस पे जाते हो फॉर एग्जाम्पल जब भी आप इस पे इंसर्ट टाइप पे जाओगे तो देखिए यहाँ पे एक आपको कमेंट दिख रहा है जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको कमेंट इधर तुरंत ही दिखने लगेगा तो इस तरीके से आप किसी भी वर्ड पे किसी भी कैरेक्टर पे आप कोई कॉमेंट पास कर सकते हैं ठीक है तो ये होता है कॉमेंट कॉमेंट अगर आपको डिलीट करना होता है तो आप इस पर राइट क्लिक करके या फिर आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे क्रॉस पर क्लिक करके भी आप इसे डिलीट कर सकते हैं अब हम देखते हैं अगला ऑप्शन अगला ऑप्शन होता है टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने का तो देखिए पावर पॉइंट में पूरा काम होता है टेक्स्ट बॉक्स पे जब आप टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे तो ही आप उसके अंदर लिखेंगे अदरवाइज आप देख रहे हैं बाहर कहीं भी कुछ भी टाइप है क्योंकि पावर पॉइंट में हमेशा टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही टाइप होती है चीजें तो किसी भी जगह अगर आपको अपना टेक्स्ट बॉक्स चाहिए यहाँ पे अगर आपको लिखना है तो आपको लिखने के लिए टेक्स्ट बॉक्स चाहिए होगा क्लिक करिए और आप यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए फिर मैंने यहाँ पे जैसे कोई भी कंटेंट अपना लिखना हुआ वो लिख दिया लिखने के बाद में जब आप टेक्स्ट बॉक्स लोगे तो इससे भी ऑप्शन आते हैं जो मैंने आपको होम टैब में भी पढ़ाए हैं तो फिलहाल हम फिर से फॉर्मेट पढ़ा दे रहे हैं फॉर्मेट में आप देख रहे हैं काफी सारी चीजें पढ़ी हुई हैं आप यहाँ से और टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं आप इसके अंदर शेप इंसर्ट कर सकते हैं आप इसके शेप को एडिट कर सकते हैं कि बॉक्स का शेप हमारा कैसा होना चाहिए तो जैसे इसको हमने एडिट कर दिया है ऐसे ही हम इसको और भी चेंज कर सकते हैं जैसे इसे मैंने ओवल बना दिया है ठीक है आप देख रहे हैं तो इस तरीके से देख रहे हैं देखिए आपका ओवल बन जाएगा तो ये होता है उसके बाद और देख लेते हैं इसके हम ऑप्शन इसमें आप इसके पॉइंट्स को भी एडिट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग कि आप इसे ऐसे कस्टमाइज कर सकते हो कि कैसा आपका आना चाहिए इस तरीके से और अब आगे हम लोग देख लेते हैं अगले ऑप्शंस तो अगला ऑप्शन आता है और टेक्स्ट बॉक्स आप इंसर्ट कर सकते हो इसके अंदर आप कोई डिजाइन कलर फिल कर सकते हो जैसा कि अभी तक हमने फिल करना सीखा है आप इसे अपनी मर्जी से आप इसके अंदर कोई कलर फिल कर सकते हैं पिक्चर फिल कर सकते हैं ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं टेक्सचर आप इसके अंदर फिल कर सकते हैं जो भी आप देना चाहें इसके बाद इसकी आउटलाइन का आप कलर चेंज कर सकते हैं आउटलाइन आप हटा सकते हैं आउटलाइन का वेट बढ़ा सकते हैं यहाँ से और आउटलाइन आप चाहें तो उसका उसको डैशिश भी आप उसको कर सकते हो ठीक है अब इसका हम कलर करेंगे व्हाइट तो आप देखेंगे कैसे हमें क्लियरली विजिबल हो रहा है वैसे आप इसमें और भी प्रेसिट शेडो जैसी चीजें जो हम कई बार पढ़ चुके हैं बार बार वो भी चीजें आप इसमें दे सकते हैं शेडो हो गया रिफ्लेक्शन हो गया ग्लो हो गया सॉफ्ट और इसके अंदर जो कॉन्टेंट लिखा है उसको भी आप यहाँ से स्टाइल कर सकते हैं सो तो गाइस देखिए वही सारे ऑप्शन हमारे बार बार पलट पलट के आ रहे हैं तो हम इनको स्किप करके बढ़ते हैं अब आगे ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड टू बैक इनको आप यूज कर लीजिएगा उसी तरीके से ही और इससे हम करेंगे डिलीट अब अगले ऑप्शन पर आएंगे यहाँ से हेडर फुटर तो आप यहाँ से हेडर फोटा दे सकते हैं अपनी फाइल में तो हेडर का, का काम होता है कि जो भी आप एक पेज पर जो आप हेडर या दे दोगे वो डिफॉल्ट आपके सारी स्लाइड्स पर अपने आप से प्रिंट आएगा जैसे आप देखते हो बुक्स वगैरह में क्या होता है हर पेज में ऊपर बुक का नाम लिखा होता है वो लिखा नहीं जाता है वो एक बार हेडर में पास किया जाता है तो हेडर का, का काम है बाई डिफॉल्ट उसी चीज को रिपीट कराना अब तो हेडर फोटो क्लिक किया तो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है इंक्लूड ऑन स्लाइड स्लाइड पे आपको क्या चाहिए डेट एंड टाइम अगर आप चाहो तो आप उसको दे, उस पर आप डेट एंड टाइम भी दे सकते हो ठीक है डेट एंड टाइम अगर आप यहाँ पे दोगे तो डेट एंड टाइम देने के लिए आपने जब क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा अपडेट ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली डेट एंड टाइम आपका अपडेट होता रहेगा जैसे आज की डेट है उसने वो पिकअप कर ली है यहाँ से आप कोई भी इसका जो भी आपको फॉर्मेट पसंद है वो आपने चूज कर लिया अब आप जब भी स्लाइड ओपन किया करोगे जैसे जैसे डेट बदलती जाएगी ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा ठीक है अगर आप चाहते हो कि हमें इसकी डेट रोज के रोज नहीं बदलवानी है कि हम पता चला कल ओपन करें तो कल की डेट आए परसों ओपन करेंगे तो परसों की डेट आए तो आप फिक्स भी रख सकते हो फिक्स रखने से क्या होगा कि जो डेट आज की है फिर वही डेट आपकी रोज दिखेगी चाहे आप दस साल बाद फाइल ओपन करोगे और आपको हेडर फोटर में यही डेट दिखेगी अगर आप अपडेट ले लोगे तो ये चेंज होती रहेगी बराबर तो आप ऐसे दे सकते हो आप स्लाइड नंबर दे सकते हो हेडर फोटर में और अगर आप कोई फोटर और अपनी तरफ से देना चाहते हो तो आप अपनी तरफ से भी कोई फोटर यहाँ से पास कर सकते हो तो जैसे मैंने फोटर में यहाँ पे लिख दिया है पावर पॉइंट ठीक है यहाँ पे मैंने लिख दिया पावर पॉइंट क्लासेस ठीक है इसके बाद इसमें इस लिखा है डू नॉट शो ऑन टाइटल स्लाइड टाइटल स्लाइड पे क्या आपको ये हेडर फोटर चाहिए कि नहीं जिससे क्या होता है ज्यादातर टाइटल स्लाइड जो होती है जो सबसे पहली स्लाइड होती है जिसपे टाइटल लिखा होता है उस पर हैटर फूटर नहीं होता है बाकी अगले पेज से फिर वो स्टार्ट होता है बुक तो का नेम वगैरह तो अगर आप ऐसा चाहो तो आप इस पर क्लिक कर दो इसके बाद नोट्स एंड हैंड आउट्स वगैरह में भी आप इसको दे सकते हो तो हमें नोट्स एंड हैंड आउट्स तो बना नहीं रहे हम बना रहे हैं स्लाइड तो हम स्लाइड पे सारिये सेटिंग करेंगे और इसको हम कर देंगे अप्लाई टू ऑल अगर अप्लाई करोगे सिर्फ एक पे अप्लाई होगी अप्लाई टू ऑल करोगे सब पे अप्लाई हो जाएगी अब देखना जब इसको हम प्रिंट करना चाहेंगे हम इसका देखेंगे प्रीव्यू कंट्रोल प्लस से प्रीव्यू देखा जाता है प्रिंट प्रीव्यू ठीक है तो हमने इसका प्रिंट प्रीव्यू देखा ध्यान से आप देखिएगा कि ये हमारी टाइटल स्लाइड है तो देखेगा कि इस पे भी कुछ भी नहीं आ रहा ना ऊपर ना नीचे और जैसे ही हम अगली स्लाइड पे आते हैं तो आप देखिए अगली स्लाइड पे आते ही हमें देखिए यहाँ पे अपना हमारा डेट एंड टाइम मिल रहा है साथ ही पावर पॉइंट क्लासेस मिल रहा है स्लाइड का नंबर मिल रहा है हमने दिया था तीसरे पे आओगे आप तो देखो आपको तीसरे पे सेम वही चीज मिलेगी डेट टाइम और स्लाइड का नंबर ऐसे आप चौथे पर आओगे तो आपको चौथे पर यही मिलेगा पांचवें पर मिलेगा छठे पर मिलेगा और ये हमारा खत्म हो जाएगा ठीक है तो आप इसे प्रिंट करोगे तो सही में यही चीज आपके डॉक्यूमेंट पर प्रिंट होके भी आएंगे और या फिर आप प्रीव्यू देख सकते हैं कंट्रोल प्लस एफ टू के साथ में तो इस तरीके से आप इसमें हेडर फोटो देंगे ऑप्शन तो आता है वर्ड आर्ट का वर्ड आर्ट आप बार बार देख रहे हैं कि हम अपने कंटेंट को कैसे वर्ड आर्ट में बराबर स्टाइल कर रहे हैं इतनी देर से होम टाइम में भी हमने वर्ड आर्ट पढ़ा था लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि अगर आपको कोई कंटेंट अपना स्टाइलिश लिखना है तो आप वर्ड आर्ट का यूज करेंगे इसके लिए आप इस पर क्लिक करिए और जो भी आपको स्टाइल इसका पसंद है वो आप चूज करिए और आप यहाँ से अपना उसमें कंटेंट लिख लीजिए जैसे कि मैंने इसमें लिखना चाहा है पावर पॉइंट आप देखोगे कि हमने इसमें जब पावर पॉइंट लिखा पावर पॉइंट या फिर हमने इसका पूरा यहाँ पे नाम लिख दिया है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ठीक है अब इतना हमने लिखा तो आपने देखा कि जैसे टेक्स्ट लिखा तो फिर फॉर्मेट का ऑप्शन आया फिर शेप इंसर्ट कर सकते हैं फिर हम इसके अंदर कोई कलर फिल कर सकते हैं फिर से हम यहाँ से शेप में अपनी मर्जी से कलर फिल कर सकते हैं टेक्स्ट अभी अभी इस टेक्स का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं और वही टेक्स्ट में अपनी मर्जी से आप कलर फिल कर सकते हैं साथ ही साथ टेक्स्ट की आउटलाइन और सारी चीजें तो यही होता है वर्ड आर्ट ठीक है चलिए अब अगला ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ से डेट एंड टाइम का तो अगर आपको किसी भी जगह अपनी स्लाइड में डेट और टाइम इंसर्ट कराना है आपको वहां पे सिर्फ अपना कर्सर रखना है उसके बाद आपको आना है डेट एंड टाइम पर यहाँ से आपको भाईस बहुत सारे फॉर्मेट मिलेंगे डेट एंड टाइम के आपको जो भी टाइम चाहिए है तो टाइम का फॉर्मेट लीजिए और आपको आपको डेट चाहिए तो डेट का फॉर्मेट लीजिए लेने के बाद में जब आप चूज कर लीजिए यहाँ से आप लैंग्वेज वगैरह भी अपनी चेंज कर सकते हैं इंग्लिश इंडिया इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट जो भी आपको चाहिए हो यूनाइटेड स्टेट उसके बाद में हमें जो भी फॉर्मेट चाहिए होगा उस पर क्लिक करेंगे और अगर आपको चाहिए कि ये, ये आप आप डेट या टाइम ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहे जो भी इंसर्ट कर रहे हैं तो आप अपडेट ऑटोमेटिकली पर क्लिक कर देना और इसको यहाँ से ओके कर देंगे तो आप देखोगे की करंट टाइम अभी यहाँ पे इंसर्ट हो गया अब ये जितनी भी बार आप फाइल ओपन किया करेंगे हर बार आपका अपडेट हो जाया करेगा उसके बाद अगला ऑप्शन आता है स्लाइड नंबर स्लाइड नंबर अगर आप देना चाहते हो जैसे अभी देखिए स्लाइड में हमारे नंबर नहीं आ रहे हैं नंबर तब आ रहे हैं जब हम क्या कर रहे हैं कि इसको जब हम प्रिंट कर रहे हैं अगर हम ऐसे चाहें कि हमारी स्लाइड्स पर नंबर आए तो हम स्लाइड नंबर पर क्लिक करते हैं और यहाँ से आप अपना उसी तरीके से हेडर फोर्टर में जाके आप यहाँ से स्लाइड नंबर दे सकते हैं वन टू थ्री जो भी आपको चाहिए आप अप्लाई अप्लाई टू ऑल पर क्लिक करके आप स्लाइड नंबर भी ले सकते हैं ठीक है अब आप देखोगे अगली से स्लाइड नंबर आ रहा है फिलहाल वो हमने पहले ही हेडर फोर्टर में दे रखे हैं तो आप वहां से दे सकते हैं या फिर आप यहाँ से दे सकते हैं अगला ऑप्शन आता है ऑब्जेक्ट का तो ऑब्जेक्ट का ऑप्शन देखिए क्या है ये किस लिए वर्क करता है तो इसका थोड़ा सा हम साइज पहले छोटा कर देंगे इसे हम साइज साइड में कहीं भी शिफ्ट कर देते हैं या फिर डिलीट कर देते हैं हाँ तो देखिए अगला ऑप्शन आता है ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर आप चाहें कि तो हम इसी पावर पॉइंट पर बने रहें और हम कहीं भी वर्ड या एक्सेल पे कोई भी काम करके उसे इधर इंसर्ट करा लें तो उसके लिए ऑब्जेक्ट यूज होता है ऑब्जेक्ट की मदद से आप किसी दूसरी एप्लीकेशन पर काम करके आप उसे इधर ला सकते हो उसे हमने स्क्रीन करके लाया था अब ये पूछ रहा है आपको एक्सेल पर काम करना है या वर्ड पर काम करना है किस पे तो जैसे मैंने कहा कि मुझे एक्सेल वर्ड या फिर किसी पे भी आप काम जैसे हमने वर्ड एक्सेल पे हमें काम करना है हमने तो यहाँ से एक्सेल लिया हमने यहाँ से ओके कर दिया ठीक है अगर आपको नई फाइल बनानी है तो न्यू अगर आपकी कोई बनी हुई फाइल है उस पर अगर आपको काम करना है तो आप वो भी फाइल ले सकते हो ठीक है न्यू फाइल लेनी है तो न्यू ले लो ओके करो और देखो कि आपको ये एक्सेल पे ले आए देख रहे हैं आप एक्सेल के सारे आपके सामने टैब आ रहे हैं सारी चीजें और आपको अब यहाँ से जो भी अपना काम करना है वो आप यहाँ से एंटर कर लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया है सीरियल नंबर नेम और यहाँ पे मैंने लिखा कॉन्टेक्ट ठीक है इसी तरीके से मैंने यहाँ पे अपने कुछ डेटा एंट्री कर ली है और ए बी सी और मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया फिर हम दूसरे पे आए दूसरा दिया और यहाँ पे हमने दिया एक्स वाई जेड और हमने यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया सॉरी हमने यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया आप इस डेटा को फॉर्मेट भी कर सकते हो अपना जैसे हम पावर पॉइंट पे फॉर्मेट करते हैं जैसे हमने एक्सेल पे फॉर्मेट किया था वैसे हम इस पे फॉर्मेट कर सकते हैं इसका हम साइज भी बढ़ा सकते हैं इतना सारी चीजें होने के बाद आपको क्या करना है कि जब आपका काम हो जाए तो आपको सिंपली बस बाहर वाली विंडो पर डबल क्लिक करना है जो बाहर आपको विंडो दिख रही है उस पर आपको डबल क्लिक करना है जैसे आप डबल क्लिक करोगे आप देखोगे एक्सेल का जो फाइल थी वो हमारी इधर आ चुकी है ठीक है तो हमारे एक्सेल पे काम करके इधर लेके आए अगर आपको इसमें भी कुछ और करना है तो आप इस पर डबल क्लिक करिए आप वापस एक्सेल पर पहुंच जाएंगे आप देख रहे हैं वापस हम एक्सेल पर आ चुके हैं ठीक है इस तरीके से आप इसमें काम कर सकते हैं विंडो को का छोटा बड़ा कर सकते हैं हो जाए तो फिर आप बाहर क्लिक कर दीजिए आपका काम इधर आ जाएगा ठीक ऐसे ही आपको अगला ऑप्शन मिलता है इक्वेशन का तो आप यहाँ से कोई भी मैथ्स वगैरह की अपनी इक्वेशन बना सकते हैं जैसे इसे हम डिलीट करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे इक्वेशन बनाना तो इक्वेशन बनाने के लिए मैथ्स के आपको जैसे अगर आपको कोई असाइनमेंट वगैरह बनाने हैं तो आप देखोगे कि यहाँ से आप इक्वेशन देखो आपको कुछ मिल रही है एरिया ऑफ सर्कल ऐसे थ्योरम की और एक्सपेंशन ऑफ कुछ का आपको मिल रही है अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप इंसर्ट न्यू इक्वेशन पर क्लिक करें और आप यहाँ से अपनी इक्वेशन खुद के असाइनमेंट के थ्रू आप बना ले आप इक्वेशन बनाएंगे तो आपके सामने फिर डिजाइन और फॉर्मेट टाइप आएगा फॉर्मेट से तो आप फॉर्मेट कर सकते हैं डिजाइन से आपको देखिए यहाँ पे बहुत सारे सिंबल मिल जाएंगे आप कोई भी सिंबल का यहाँ से अपना यूज कर सकते हैं अल्फा बीटा फिर आपको यहाँ से फ्रैक्शन मिल जाएंगे आप कोई चीज इस तरीके से भी लिख सकते हो देखो बटे में अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ पे कोई वैल्यू पास कर सकते हो इस तरीके से देखिए उसके बाद आपको और भी यहाँ पे मिल जाएंगे स्क्रिप्ट मिल जाएगी रेडियल और लार्ज ऑपरेटर ब्रैकेट फंक्शन देख रहे हो सारी चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी किसी भी इक्वेशन को बनाने के लिए चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले ऑप्शन पर अगला ऑप्शन आता है सिंबल का तो यहाँ से आपको सिंबल इंसर्ट करा सकते हैं ये तभी ऑप्शन इनेबल होगा जब हम किसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर होंगे जब तक नहीं होंगे तब तक आपका ये ऑप्शन इनेबल नहीं होगा तो हम इसमें कंटेंट थोड़ा सा कर देते हैं कम अब आपको हम अगला ऑप्शन बताते हैं जिसका सिम्बल का तो सिंबल में आपको देखिए वो सारे सिंबल मिलते हैं जो हमारे की पर अवेलेबल नहीं होते हमारे की पे बहुत सारे सिम्बल्स अवेलेबल नहीं होते जिनको हम यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं अब देखो कि आपको यहाँ से कई सारे सिंबल मिल रहे हैं आपको तो जो भी सिंबल एक चाहिए हो उसको आप यहाँ से ईजिली इंसर्ट करा सकते हैं ऐसे साथ ही साथ आपको ऊपर फॉन्ट दिया है जितनी बार आप फॉन्ट चेंज किया करोगे उतनी बार सिंबल आपके चेंज हो जाया करेंगे देखो ये लिया तो इसके सिंबल अलग होंगे तो ऐसे ही आप अलग अलग सिंबल इंसर्ट करा सकते हैं जो भी आपको चाहिए हो ठीक है तो हम यहाँ से देखेंगे कोई भी सिंबल इंसर्ट करा के तो जैसे मान लिया हमें कोई ये फ्लावर इंसर्ट कराना है या फिर कोई भी चीज आपको जो भी लग रही है आपको जरूरत की है एरो इंसर्ट कराना है उस पर क्लिक करना है और आपको इंसर्ट पर क्लिक कर देना है जैसे आप इंसर्ट पर क्लिक करोगे आप देखोगे जिस जगह इसको इंसर्ट कराया था फॉन्ट साइज बढ़ा के आपको दिखा देते हैं ये इंसर्ट हो चुका है ये बिल्कुल टेक्स्ट के तरीके से वो इंसर्ट होता है आप इसका यहां से साइज कम भी कर सकते हो ज्यादा भी कर सकते हो ये सारी चीजें आप इसमें कर सकते हो फॉन्ट कलर इसका आप चेंज कर सकते हो फॉन्ट स्टाइल आप इसका चेंज कर सकते हो स्टाइल पे तो फर्क नहीं पड़ेगा पर कलर वगैरह और शेडो और अंडरलाइन ये सब चीजें आप कर सकते हो ठीक है ऐसे ही आपको और भी कई सारे सिंबल मिल जाएंगे उन्हें आप इंसर्ट कर सकते हैं फिर अगला ऑप्शन आता है वीडियो का यहाँ से आप अपने सिस्टम में जो भी वीडियो डली हुई हो उसको आप इंसर्ट कर सकते हैं ठीक है तो वीडियो इंसर्ट करने के लिए आप ऑनलाइन भी वीडियो सर्च कर सकते हो वीडियो ऑन माय पीसी कर, पीसी आपके में कोई वीडियो है तो आप उसको भी ले सकते हो फिलहाल मेरे पीसी में शायद कोई वीडियो नहीं है तो इसीलिए हम तो आपको इंसर्ट करके तो नहीं दिखा सकते हैं देख लेते हैं यहाँ पे कोई वीडियो है क्या तो यहाँ पे हम चेक करेंगे एक बार तो हाँ इसमें भी फिलहाल कोई भी वीडियो अवेलेबल नहीं है एक बार यहाँ भी देख लेते हैं अगर कोई भी वीडियो नहीं है तो आप उसको इंसर्ट भी करा सकते हैं तो जैसे कोई अगर एक वीडियो है फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ से ले लेते हैं पे जाके और अपनी हूँ ताकि आपको मैं बता सकूं कैसे इस पे वर्क होता है हमने वीडियो ली और उसको हमने इधर इंसर्ट कर लिया अब आपने देखा ये वीडियो हमारी इधर इंसर्ट हो चुकी है ठीक है इसको हम यहाँ से भी देख सकते हैं आपने देखा ये वीडियो हमारी प्ले हो गई है ऐसे ही जब आप वीडियो लोगे तो आपको देखिए यहाँ से कई सारे ऑप्शन मिलेंगे फॉर्मेट के आप इसमें पिक्चर जैसा फॉर्मेशन भी लगा सकते हो वीडियो का आप शेप भी यहाँ से चेंज कर सकते हो जैसा भी आप चेंज करना चाहो इस तरीके से ठीक है आप इसको ताकि आगे भी हो। ऐसे ही वीडियो में प्ले के भी कई सारे ऑप्शन आएंगे कि आप वीडियो को कैसे प्ले कराना चाहते हो तो देखिए यहाँ से सबसे पहला ऑप्शन है करना अगर वीडियो से प्ले कर दू बुक मार्क एड करना है या फिर आपको वीडियो को ट्रिम करना है तो आप ट्रिम कर सकते हो यहाँ और इसके साथ ही साथ आगे अगला ऑप्शन आता है फेड ड्यूरेशन आपको इसको फेड करना है तो आप यहाँ से ऐसे फेड कर सकते हो फेड ड्यूरेशन आप इस पर लगा सकते हो अदरवाइज देखिए तरीके से कर लेंगे तो से वीडियो का वॉल्यूम कितना होना चाहिए लो मीडियम हाई या म्यूट करनी है आपको वीडियो तो आप म्यूट भी कर सकते हैं ठीक है आप मीडियम कर देंगे उसके बाद अगला ऑप्शन क्या आ रहा है कि जब प्रेजेंटेशन चल रही हो तो वीडियो आपकी जैसे ही फोर्थ वाली स्लाइड पे हमने दी है तो ये कह रहा है कि जब फोर्थ वाली स्लाइड आए तो वीडियो आपकी ऑटोमेटिकली चलने लगेगी या फिर क्लिक करना पड़ेगा तब चलेगी तो जैसे मैंने लगा दिया कि फोर्थ वाली स्लाइड आते है, वीडियो ऑटोमेटिकली चले उसके बाद पूछ रहा है क्या क्या फुल स्क्रीन पे आपको वीडियो प्ले करनी है सिर्फ इतनी स्क्रीन पे तो मैंने कहा प्ले फुल स्क्रीन ठीक है हाइड वाइल नॉट प्लेइंग जब प्ले नहीं हो रही तब क्या हाइड करनी है और फिर अगला ऑप्शन है लूप अंटिल स्टॉप जब तक आप स्टॉप नहीं करेंगे तब तक ये रिपीट रिपीट, रिपीट 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 चलती रहेगी लूप का मतलब होता है किसी चीज की रिपीटेशन होना अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो जब तक आप स्टॉप करके आगे नहीं बढ़ेंगे वीडियो आपकी ऑटोमेटिकली बार बार प्ले होती चली जाएगी ठीक है तो ये कुछ ऑप्शंस आते हैं तो इस तरीके से आप इसमें अपना वीडियो कर सकते हैं अब इसके बाद में देखना जैसे ही मिस स्लाइड को रन करेंगे आप फाइव से ठीक है आएंगे दूसरी साइड पे तीसरी पे ठीक है तो आप देख रहे हैं कि वीडियो हमारी ये प्ले हो रही है इस तरीके से आप इसमें और आप कोई भी अपने हाँ आप कोई भी वीडियो को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं तो यही सारे ऑप्शंस आते हैं ऐसे ही आपका ऑडियो का भी ऑप्शन आता है ठीक है ये हम आपको सारी चीजें तब डिटेल में और अच्छे से बताएंगे वीडियो ऑडियो जो हम आपको फाइनल ये सारे ट्रांजिशन और एनिमेशन पढ़ाएंगे वैसे आप कोई ऑडियो दे सकते हो ऑडियो ऑन माई पी सी को ऑडियो रिकॉर्ड करके भी दे सकते हो जैसे मैंने कहा ऑडियो ऑन माई पी सी मे पी सी में कोई भी ऑडियो हो तो वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाए तो ऐसा आप यहाँ पे रह सकते हो म्यूजिक में हमने देखा कि एक रिंग पड़ी हुई है उसको हम यहाँ पे इंसर्ट करके आपको दिखाएंगे रिंग प्ले करनी है देखिए प्ले कर रहे हैं ठीक है ये भी प्ले हो रही है इसका वॉल्यूम अभी हम यहाँ से कम कर देते हैं अब आपको प्ले करके दिखाते हैं इस तरीके से ठीक है जब ऑडियो भी लेते हो तब देखिए फर्स से फॉर्मेट और प्ले बैक का ऑप्शन आएगा फिर वही ऑप्शन प्ले करके देख लें फिर ड्यूरेशन दे दें फेड आउट वॉल्यूम इसका आप कम ज्यादा कर सकते हैं स्टार्ट अपने आप से बजने लगे या फिर हमें ऑन क्लिक करना पड़े तब बजेगी ठीक है प्ले अक्रॉस स्लाइड सारी स्लाइड चलेंगी तब तक ये आपकी बजती रहेगी और लूप जब तक स्टॉप नहीं करोगे तब तक स्टॉप नहीं होगी तो ये देखिए कई सारे ऑप्शन आते हैं इसके बाद हम इसे जब स्लाइड शो करेंगे फाइव ठीक है दूसरी स्लाइड पे पे आए पे आए तीसरी और चौथी पे आए अब आपको हमने दिया था कि क्लिक करना पड़ेगा तब बजेगी तो क्लिक किया सॉरी क्लिक ठीक है आपने देखा कि जब हम क्लिक करेंगे तभी ये बजेगी क्योंकि इस बार हमने दिया है स्टार्ट ऑन क्लिक तो इस तरीके से आप इसमें कोई भी अपना ऑडियो इंसर्ट कर सकते हैं और उसके बाद अगला ऑप्शन है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का आप इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं यहाँ से आप अपनी दे सकते हैं स्क्रीन स्क्रीन रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग और करने के के बाद आप उसको यहां पर इंसर्ट इंसर्ट करा सकते हैं सो इसी साथ हमारा खत्म होता है। जो इसमें कुछ ऐसे ऑप्शन है जो की कुछ बड़े हैं जैसे की हाइपर और एक्शन हो गया तो इन पे हम आपके इंडिविजुअल वीडियो जरूर बना देंगे ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग Nice day.